अयोध्यासी रा दशरथनन्द

अनन्तकोटिवैष्णवृन्दकी श्रीलप्रभुपादुकी ॐ अज्ञानतमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुवन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साऽद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणलललललललललललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पति पावने्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर भक्त श्रीवासादिगौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सब लोग पीछे बोलिए श्री श्रीरामम् दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्मय रत्नदीपम् आजानुबाहो अरविन्द दलाय ताक्षम् निशाचर विनाश कारमाि सर्वप्रथम मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में मेरे साथ दत्त प्रणाम अर्पित करता हूँ श्री राम दशरथ आत्मज जो दशरथ के आत्मज पुत्र हैं उनके पुत्र हैं अप्रमेय जिनकी शक्ति का सीमा ही नहीं है जिन्होंने कर और दूषण के साथ चौदह हजार राक्षसों को अकेले होकर अपने बाण लेकर वध किया दुष्टों का संहार किया इसलिए बताया है अप्रमेयम सीतापतिम तो सीता के पति हैं रघुकुलामयरत्न दीपम रघुकुल वंश के तिलक हैं प्रभु रामचंद्र रघुकुल तिलक कम नाम से पुकारा जाता है हमारे चेहरे में तिलक जो होता है प्रोमिनेंट होता एक है एकदम तो इस तरह रघुकुल डायनेस्टी में अगर रघुकुल का नाम लिया जाता है उसमें प्रभु रामचंद्र का नाम जरूर लोग याद करेंगे आजान बाहू जिनका आकार बड़ा है जिनके रंग एक ध्रुवा घास के समान है बहुत खूबसूरत है हाथ में धनुष धारण करके मुकुट पहनकर कुंडल के साथ एक आदर्श राज ऋषि बनकर एक नर लीला करके भगवान रामचंद्र एक मनुष्यों को सिखाने के लिए ऐसे अपने आप को प्रकटीकरण किया है दुनिया में हम लोगों को सिखाने के लिए आजान बाहु अरविंद तलायत आक्षम जिनकी आंखें कमल के पंखुड़ियों के बराबर है निशाचर विनाशकार रात में जागरण कर उत्पाद मचाने वाले असुरों को वध करने वाले होते हैं प्रभु रामचंद्र hmm. निशाचर विनाशकार नमामि ऐसे प्रभु रामचंद्र के चरणों में सादर दंड प्रणाम अर्पित करता हूँ hmm. कुछ ही दिनों में हम लोग रामनवमी मनाने जा रहे हैं इसलिए हमने सोचा प्रभु रामचंद्र के बारे में दो शब्द बोला जाए इधर सम्मिलित हुई है वैष्णव लोग मैंने सुना कि आप लोग <clears throat> इस श्रीनिताय प्रभु और आनंद भगवान प्रभु और भी कुछ भक्त है इधर गौरंग स्मरण प्रभु श्री गोविंद घोष प्रभु आचार्य रत्न प्रभु प्रेम स्वर प्रभु उनके अलग अलग कार्यक्रमों से जुड़कर सब लोग साथ में आए हो आपको इस कार्यक्रम में स्वागत है सबको इधर आप जो देख रहे हैं प्रभु रामचंद्र के सोलह गुणों के बारे में बोलेंगे एक बार तपस्वी वाल्मीकि नारद जी को पूछ रहे हैं जो नारद जी जो हैं वो हमेशा ना वेदों को पढ़ना और उसमें उसको दूसरों को समझाना करते हैं इसलिए नारद मिलते हैं वाल्मीकि एक प्रश्न पूछते हैं सब लोग पीछे बोलिए कौन गुणवान कच्च वीर धर्मज्ञ कृतज्ञ सत्यवाक्यो दृढ़ पूछ रहे हैं कि इस दुनिया में अभी के समय में उसका मतलब उस समय में कौन है कौन को, बेस कौन रश्मिन सांप्रतम लोग गुणवान जो सबसे गुणवान हो वीर्यवान भी हो कभी कभी कोई गुणवान होता है लेकिन कमजोर होता है हा? उसके अंदर वीर्य नहीं होता है कोई वीर्यवान होता है उसके अंदर गुण नहीं है किसी को भी मारता है वो पिटाई करता है लेकिन वो गुणवान भी हो और गुणवान होकर भी वीर्यवान हो जिसका मतलब है अपने बल अपने शक्ति को वो गुणवान होने के कारण सही दिशा में लगाए मतलब जैसे भगवान के बारे में हम लोग बोलते हैं परित्राणाय साधु नाम विनाशाय चुष्कृतान धर्म संस्थापना इस तरह गुणवान भी हो वीरवान भी हो धर्मज्ञ भी हो उसका मतलब है आ, कोई हो सकता है बलशाली वो गुणवान भी हो सकता है लेकिन अगर धर्म मालूम नहीं है धर्म बहुत गुड़ होता है हा? कभी कभी धर्म को समझना मुश्किल होता है एक बार एक गाय भागती हुई गई एक ब्राह्मण के झोपड़ी के अंदर घुस गई उस समय ब्राह्मण नहा रहा था एक तालाब में तब पीछे पीछे एक कसाई हाथ में कड़क लेकर भागते हुए आया पांच मिनट देरी से आया पूछा उस ब्राह्मण को हे hey, ब्राह्मण तुमने देखा कुछ गाय भागती हुई इधर तो ब्राह्मण ने सोचा अगर मैं उंगली दिखा दूंगा मैंने झोपड़ी तो, तो ये अंदर लेकर अंदर जाएगा गाय को लेकर आएगा मारेगा हुँ? सत्य बात बोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा हु? अगर झूठ बोलेंगे तो मैं ब्राह्मण के स्तर से पतित हो जाऊंगा ब्राह्मण को झूठ भी नहीं बोलना चाहिए सोचा क्या करना चाहिए तब उन्होंने बोला हाँ आंखें नहीं बोल सकती <laughs> फिर भी ब्राह्मण ने बोल दिया नहीं हमने देखा नहीं तो कसाई सीधा भग गया और गाय बच गई तो धर्म बहुत गुड होता है आ, किस समय हमें क्या करना चाहिए अरे को मालूम होना चाहिए हा? सत्य बोलना आवश्यक है लेकिन उस समय गाय को बचाना उससे भी ज्यादा आवश्यक है इसलिए इसलिए धर्मज्ञ भी हो हाँ। और गुणवान भी हो वीरवान हो धर्मज्ञ हो और कृतज्ञ हो अगर किसी के अंदर ये सब गुण हो वीरवान है, गुणवान है धर्मज्ञ है तो गर्वी हो सकता है लेकिन ऐसे एक सत्पुरुष हो जो कृतज्ञ भी होता है उसने जो जैसे अपने गुरु से शक्ति प्राप्त की है वरिष्ठों से प्राप्त किए उसको याद रखता है और कृतज्ञ भी होता है और सत्यवाक्य हमेशा सत्य बोलने वाला होता है सत्य सत्यपरायण होता है और अपने कार्यों में दृढ़ता रखता व्रत है, है इस तरह ऐसे कोई है क्या चारित्रेणयुक्त भूत को विद्वान कह कह समर्थ कश्चैक प्रिय दर्शन चारित्रेण च को युक्त वो चरित्रमान होना चाहिए वो उसके कार्य ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बता रहे हैं द अडप्टनेस ऑफ दैट पर्सन इज इन हिज नोइंग ऑल द नोएबल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड एंड ही मस्ट बी एबल टू रिटेन दैट नॉलेज टू ट्रांसलेट इनटू हिज डीड्स नॉट जस्ट इसका मतलब है कभी कभी हम लोग जानते हैं कि सही क्या है गलत क्या है कितने लोगों का मालूम है जल्दी सोना चाहिए जल्दी उड़ना चाहिए अच्छा है हमको मालूम है क्या रखते लेकिन रात को देखते हैं कि 10-11 बजे तक शरीर लेटता ही नहीं है? कुछ ना कुछ करते रहते है मैंने विद्यार्थियों को बोला कि नौ से ग्यारह देखो तुमने क्या किया ज्यादा कुछ नहीं किया फिर भी समय की बर्बादी करना तो कभी कभी जानकारी है लेकिन करते नहीं है इधर बोल रहे हैं कि उनको जानकारी भी होना चाहिए वो करता करना भी चाहिए वो ऐसे बताते हैं हिस्स कंडक्ट वाइज कैरेक्टर शेल बी एक्सेप्टेबल बाई हिस्स लीनियज हाँ इस कंडक्ट वाइज कैरेक्टर का मतलब है एक चरित्रवान व्यक्ति जो होता है उसको चरित्रवान तरीके से व्यवहार करना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है जैसे कभी कभी ऑनेस्टी का मतलब क्या है बोलना कि मैं ऐसे करो एक बार मैंने विद्यार्थियों को पूछा मान लो तुमको चावल पैदा करते तो पांच लाख मिलेगा साल में अगर गन्ना तैयार करेगा तो दस लाख मिलेगा तंबाकू डालेगा तो बीस लाख मिलेगा साल में तो मैंने पूछा विद्यार्थियों को कितने लोग चावल डालोगे ऐसे तीन सौ लोग थे सिर्फ चार पांच लोग हाथों पर गया तो गन्ने कितने लोग पैदा करोगे तो लगभग टू सेवेंटी टू टू लोग हाथों पर गया और तंबाकू पूछा उसका भी दस बीस लोग हाथों पर गया तो मैंने पूछा अरे तंबाकू क्यों करोगे वो अरे बीस लाख मिल रहा है ना प्रभु जी अरे सिगरेट पुंग कर लोग मरेंगे वो मरने दो तो हम क्या करें है? हमको पैसा चाहिए तो कुछ चरित्र नहीं है पर जीवों के कल्याण नहीं करना चाहता है खुद के पॉकेट के बारे में सोचता और गन्ने वालों को पूछा मैंने अरे गन्ने का जियोगे आपको चावल की जरूरत नहीं वो बोला प्रभु जी कुछ तो बुद्ध लोग होंगे वो जो जो चावल बनाएंगे हम गन्ने बनाकर दस लाख कर दें दस लाख पैसा आ जाएगा हम पैसा देकर उनसे लेंगे अरे अगर सब लोग ऐसे सोचेंगे तो चावल कौन बनाएगा करेक्ट है ना क्या पता चलता है दुनिया में ज्यादातर लोग स्वार्थी होकर अपने बारे में ही सोचते हैं इसलिए चरित्रवान जीना जीवन जीना उतना आसान नहीं है तो जो ऐसे एक नेता हो जो चरित्रवान हो हा? बोलता ही नहीं है लेकिन करता भी है वो ऐसे चरित्रवान होनी वो वेदों में जो बोला गया है ये करना है चाहिए वो करेगा वो. वेदों में कुछ मना किया है वो नहीं करेगा वो. शास्त्र के अनुसार अपने जीवन चलाने वाले पुरुष हो ऐसे और वो अच्छी तरह से सुशिक्षित हो न? शिक्षा पाया हुआ हो ऐसे बताते हैं मतलब आप देखेंगे प्रभु रामचंद्र के चरित्र में ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बड़े लेवल के लोगों के साथ वो संग करते हैं आप देखेंगे गुहा जैसे जो नावों का नाव चलाने वालों का नाविक नाविकाओं का नेता था वो इस तरह वानरों का भी एक नेता है सुग्रीव उनका एक श्लोक दिखाएंगे न जन्मनूनं महतोभसौ गौभगम् वलिये न न वाङ्न बुद्धिर्नाकृतिस्तोषहेतु सृष्टानपि नो बनौकसकारसख्ये बतलक्ष्मणाग्रजः ूनं महतो न सौभगम् न वाङ् न बुद्धिर्न कृतिस्तोषहेतुः तैर्यद्विसृष्टानपि नो वनौकस चकारसख्ये लक्ष्मणाग्रजः अनुवाद देखेंगे हां किसी किसी के पास माइक है पढ़िए आरे उच्च कुल में जन्म धारण करने शारीरिक सौंदर्य वाचक वा छात्री वा, वा, चक, वा, वाग वाग चातुरी वाक चातुरी तीक्षण बुद्धि या श्रेष्ठ जाति अथवा राष्ट्र जैसे भौतिक गुणों के कारण चाह कर भी भगवान रामचंद्र से मैत्री स्थापित नहीं कर सकता उनसे मित्रता स्थापित करने के लिए इन गुणों की आवश्यकता नहीं है अन्यथा भला हम असभ्य वनवासियों को बिना उच्च कुल में जन्म लिए तथा रूप रंग ना होते हुए और भद्र पुरुषों की भांति बात कर सकने में रक्षम ना होने सक्षम ना होने पर भी अपने मित्रों के रूप में क्यों स्वीकार करते ये सुग्रीव बता रहे हैं कि हम लोगों का उच्च कुल में जन्म नहीं प्राप्त हुआ हम तो वानर वानर जाति हैं हमारा शारीरिक सौंदर्यता भी नहीं है क्योंकि हम वान हैं वाक भी नहीं है बुद्धि भी नहीं है श्रेष्ठ जाति भी नहीं है और बड़े राष्ट्र से हम लोग नहीं है ऐसे कुछ भौतिक गुण है ही नहीं हमारे पास लेकिन भगवान रामचंद्र सब सारे दुनिया के जगत के स्वामी हैं, और ऐसे महान पदवी में होते हुए भी इतने प्रसिद्ध जगत प्रसिद्ध होते हुए भी वो आकर हम जैसे नीच लोगों के साथ उन्होंने मैत्री जोड़ा है क्योंकि वो भगवान प्रभु जो होते हैं वो सिर्फ हमारे भक्ति को देखते हैं बिना उच्चकुल, नहीं तो रूप रंग ये सब ना होते हुए भी हम लोगों के साथ मैत्री जोड़ा और हमको उनकी सेना में भर्ती कर लिया रावण के विरुद्ध जो युद्ध हुई उसमें हम लोग भी शामिल हुए और हमको मौका मिला भगवान ने हमको अपना पार्षद बना लिया हम लोगों को हा? इस तरह वो बता रहे हैं न जन्म नो न महतो न सोभ ऐसे बताते हैं तो यही बात है इस तरह बताते हैं कि उनका चरित्र इतने महान चरित्र है वो देखते नहीं कि कौन नीचा है कौन ऊंचा है सबके साथ मैत्री जोड़ते हैं जैसे विभीषण जैसे एक राक्षस जो था जब विभीषण की इच्छा हुई कि प्रभु रामचंद्र के सेना में मैं ज्वाइन कर लूँ क्योंकि मेरा भाई जो है वो गलत पथ में जा रहा है कुपथ में जा रहा है उपदेश सदुपदेश भी सुन नहीं रहा है और रावण के सब अन्य अनुयायी जो भी लोग हैं वो सब लोग उसके हाँ में हाँ मिला रहे हैं हां? क्योंकि वो लोग सब डरपोक हैं हुँ? रावण की वरुद्ध बोलने की क्षमता नहीं है उनमें और वो वो रावण में गढ़े में जाएगा ये भी उनके साथ जाएंगे ऐसे लोग हैं तो विभीषण ने सोचा कि इनको सत्य बात बोल देना चाहिए तो विभीषण ने बोला रावण को तुम क्यों अपने पेट में आग बांध कर आए हो रावण ने पूछा क्या बोल रहा है वो बोले कि सीता आग जैसा है तुमको जलाकर राख बना देगी तुमको सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा अगर तुम सीता को प्रभु रामचंद्र के पास सौंपायेगे नहीं तो तो ये सुनकर रावण कुपित हो गया बोला तुम मेरे भाई हो लेकिन बड़ा दुश्मन हो देखो मेरे सब मंत्री मेरे मेरी बात मानकर सब ही सर हिला रहे हैं मेरी बात मान लिया सब तुम नहीं मान रहे हो इसलिए उनको एक लात दे दिया विभीषण को निकल जाओ इधर से उस समय ही विभीषण को अपने पदवी को छोड़ना पड़ा वो तो राजा का भाई है कितने मान सम्मान के साथ वो जीवन जी सकता था उधर कितना सोना चांदी कितने घोड़े हाथी कितने अनुयायी लोग इतने धन के बीच में रहते हुए भी विभीषण एक क्षण में सब चीजों को त्याग कर सर्वधरवान परित्यज कर दिया हो करके आ गया उड़ते हुए चार राक्षसों को लेकर आया प्रभु रामचंद्र की आ, सेना की ओर में उड़ते हुए वो बोला वानरों को मैं आया हूँ प्रभु रामचंद्र जी को संदेश दे दो मेरी इच्छा है कि मैं उनके श्री चरण की आश्रय में प्राप्त प्राप्त करना चाहता हूँ बस हा? इस दुनिया में धन दौलत नाता रिश्ता यश अगर किसी को मिल गया अगर भगवान नहीं मिले ये सब काम का नहीं सब गड्ढे में जाएगा क्योंकि एक दिन आएगा जब जीव को शरीर छोड़ना पड़ेगा सब ये सब चीज़ को छोड़कर जाएंगे हम लोग हैं कुछ लेके नहीं जाने वाले हैं इसके विरुद्ध अगर किसी को भगवान के श्री चरण प्राप्त हो गया इस दुनिया की सब चीज भी छूट गए फिर भी कुछ नुकसान नहीं हुआ क्योंकि भगवान की प्रभु की चरण जिसको पा जिसने पा लिया वो महात्मा भक्त है वो और उसको परलोक के पद प्राप्त हो जाता है नित्य निरंतर काल के लिए भगवान के साथ वास करेगा वो इसलिए विभिषण ये मार्ग को चुन लिया उन्होंने जो शुद्ध भक्त लोग चुनते हैं तब वानर लोग गए प्रभु रामचंद्र के पास जाकर बोले ऐसे एक राक्षस आया है रावण का भाई तो प्रभु रामचंद्र सब जानते थे वो तो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं वो हा? फिर भी उन्होंने पूछा वानरों को ठीक है आप लोगों का क्या सोचना है बताओ सुग्रीव ने बोला उसको पकड़कर नीचे लाना चाहिए तत्क्षण मार देना चाहिए उसको क्योंकि अगर हम उसको अपनी सेना में भर्ती करेंगे वो जाकर एक जासूस बनेगा अब रावण को संदेश भेजते रहेगा खास करके हमको लग रहा है एक जासूस के रूप में आया है हमारी सेना को कमजोर करने के लिए और तोड़ने के लिए है इसलिए उसको या तो अभी मार देना चाहिए नहीं तो अनुमति नहीं देना चाहिए ज्वाइन करने के लिए ऐसे बोला उसने तो प्रभु राम से कुछ नहीं बोले वो बोले दूसरों को पूछा उन्होंने ठीक है तुम बोलो नी ऐसे अलग अलग वानर थे हाँ हा, जामोन को पूछा उन्होंने अंगद को पूछा नील नलाय नल को भी पूछा हनुमान को भी पूछा अलग अलग वानर अलग अलग मत दे रहे थे कुछ वानरों ने बोला महा प्रभु रामचंद्र को कि अगर आप स्वीकारना चाहते हो उनको उनके साथ एक उनके पीछे एक जासूस लगा दीजिए अगर बाथरूम भी जाता तो पीछे पीछे जाना चाहिए क्योंकि बाथरूम में कुछ मोबाइल लगा देगा है बुलाएगा कुछ इसलिए देखना चाहिए फिर भी खतरा है ऐसे लोगों को हमारे सेना में लेना उचित नहीं है ऐसे बोले सिर्फ एकमात्र व्यक्ति हनुमान ने बोला हनुमान ने बोला नहीं कुछ जब रामचंद्र ने पूछा वो बोला कि स्वामी मैं जब लंका में सीता को ढूंढते हुए आया मैं देखा कि अलग अलग महल में गया सीता को ढूंढते हुए hmm. लोग मांस खा रहे थे शराब पी रहे थे सब इंद्र कर रहे थे राक्षस राक्षसी लोग hmm. कहीं भी कुछ दिव्य चीज देखने को नहीं मिला सब तरह के विलास चल रहा था लेकिन एक महल में मैंने आपकी नाम गूंजते हुए सुना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम देखा कौन है अंदर कौन था? थाषण था तो मैं समझ गया कि आपका भक्त है हा? पहले से आपका वक्त है वो तो मुझे विश्वास है कि आपके सेना में उनको ले लेंगे अच्छा ही होगा ऐसा अपना मत बताया इसके बाद सब मानों ने पूछा प्रभु रामचंद्र को आपका मत क्या है आपने हमारा मत पूछ लिया आपका मत अभी तक बोला नहीं प्रभु रामचंद्र बोले ठीक है अगर मेरा मत आप लोग जाना चाहते हो तो सुन लो तभी एक उन्होंने एक दूसरा चरम श्लोक बोला एक चरम श्लोक तो अभी सुना आपने सर्वोद्र मान परित मा में एक शरण्र भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है तो प्रभु रामचंद्र ने और एक चरम श्लोक बोला जगत प्रसिद्ध है वो सकृद प्रपन्नो सब लोग बोलिए सकृद अभी प्रपन्नो यवास्मी याचते अभयम सर्वदा तस्म ददा ये मम प्रभु ने बोला सकृदपि प्रपन्नो यस एक भी बार अगर एक जीव आकर मेरे इसी चरणों में गिर पड़ता है और बोलता है तबह अस्मि मैं आपका हो गया हूँ आप मुझे अपना बना लीजिए ऐसे एक जीव आकर मेरे इसी चरणों में झुकेगा तबह अस्मि इति याचते ऐसे याचना करेगा अब हम सर्वदा तस्मय मैं उनका अभय प्रदान करता हूँ आई एम हियर डोंट फियर ऐसे भगवान क्या दे देते हैं उनको अभय प्रदान करते हैं अभयम बताते है, हैं ददामी ये, तर ममा। ये मेरा व्रत है कि मैं किसी भी जीव को नकारता नहीं हूं जो मेरे पास आया है चाहे वो असुर भी क्यों ना हो हम्म आप लोग जानते हो एक बार कृष्णा और अर्जुन प्रस्थ को ऐसे गोल गोल घूमते हुए भगवान रथ चला रहे थे अनेक असुर निकले जानवर निकले और अर्जुन ऐसे एक एक करके उनको वध करते गया क्योंकि वो नहीं तो उत्पात मचाएंगे समाज में जाकर वो हाँ इसलिए उनको वध करते गया ऐसे जाते समय एक असुर निकला उधर से उसका नाम है माया दानव है तो माया दानव बुद्धिमान असुर था क्या क्या उसने भागते हुए आया पकड़ लिया अर्जुन के पांव बोला कि अभी मैं आपके पाँव पकड़ लिया आप मार नहीं सकते मुझे और क्षत्रियो का एक विधि होता है अगर आपका कोई शरण में आ गया तो उसको छोड़ देना चाहिए मारना नहीं चाहिए अर्जुन ने बोला ठीक है ठीक है ठीक है तुमको मारूंगा नहीं तो उसके बाद वो असुर ने बोला कि आपने प्राण का दान दिया है मुझे इसलिए आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ आप बोलिए मेरे पास अनेक मायाविक कलाएं हैं मैं कुछ आपके लिए कर सकता हूँ अर्जुन बोला कि मैं किसी से कुछ मांगता नहीं क्यों हम लोगों के लिए तो कृष्ण है जो जरूरत तो है वो सब देख लेंगे योग क्षेम या हम या हम्म भगवान खुद भी बोलते हैं हम कुछ किसी से मांगते नहीं हमको हम तृप्त हैं ऐसे बोले वो फिर भी माधन बोला नहीं मेरी इच्छा है आप तृप्त हैं फिर भी मेरी इच्छा कुछ करने के लिए आपको तब अर्जुन बोले ठीक है कृष्ण के लिए कुछ करो तो तुरंत वो कृष्ण का पांव पकड़ा भगवान को पूछा आपके लिए क्या करें हम भगवान बोले मुझे क्या चाहिए मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरे भक्त खुश रहे मेरे भक्त के लिए कुछ करो तो कृष्ण को छोड़कर अर्जुन के पास आ गया अभी भगवान आपके पास जाने के लिए बोल रहे हैं आप ही बताइए और दोनों एक दूसरे के बाद भेज रहे थे ऐसे कृष्ण ने बोला ठीक है मेरा एक उपाय है देखो कांडप्रस्थ बहुत बड़ा घना जंगल है हा? इसको साफ करके तुम क्या करो इसको प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दो हा? और ऐसे इंद्रप्रस्थ बनाया उन्होंने इतने सुंदर सुंदर महल और बीच में एक बहुत ऊंचा महल था तो पांडवों के लिए बनाया उसका नाम था माया सभा करके और उस शहर में अच्छे अच्छे सड़क थे दोनों बाजू में पेड़ पौधे थे और झील थे उसमें अनेक कमल उग रहे थे और पंछियां कलरव कर रही थी और बहुत सुंदर सुंदर बगीचे थे फूलों के साथ और रहने के लिए वास करने के लिए अच्छे अच्छे घर भी बन गया था तो अनेक बहुत पढ़े लिखे ब्राह्मण लोग और बहुत शूरवीर क्षत्रिय लोग बहुत धनी वैश्य लोग बहुत ईमानदार शूद्र लोग सब लोग हस्तनापुर छोड़कर उधर से इंद्रप्रस्थ आने लगे इतने बहुत भीड़ आने लगा धित ने एक रूल डाल दिया कि कोई निकलेगा नहीं हस्तनापुर से बाहर उनको लगा कि सब लोग उधर चले जाएंगे हमको शासन करने के लिए कोई रहेगा ही नहीं हस्तनापुर में ऐसे सोचा उन्होंने तो तो मैं ये कांड पुरस्त का क्यों बताया आपको आ, भगवान जो हैं किसी को आश्रय देते हैं आ, जैसे असुर को भी आश्रय दिया उन्होंने माया दानव को करेक्ट ना इस तरह माया दानव शरण लिया भगवान कृष्ण की तो उन्होंने उनको सेवा में लगा दिया अपने भक्तों के सेवा में हु? इस तरह अभी ये भी असुर कुल में जन्मा है कौन विभीषण पा रहा प्रभु रामचंद्र के पास प्रभु रामचंद्र की बात सुनकर सुग्रीव के मन में एक छोटा विचार उठा कि प्रभु रामचंद्र बहुत बोले बाले हैं मासूम हैं इसलिए उनके हृदय कोमल होने के कारण असुर को भी अपने पक्ष में लेने के लिए तायर हो गए हैं लेकिन पता नहीं भविष्य में कुछ खतरा आ सकता है हमारे सेना के लिए ऐसे मन में एक विचार उठा इनके सुग्रीव के मन में तब प्रभु रामचंद्र वो बात समझ कर उन्होंने बोला मेरे ये पाव होता है पांव की उंगली होता है ना उस उंगली से मैं कोटि कोटि ब्रह्मांडों को नाश कर सकता हूँ इस उंगली की नख से ये क्योंकि मैं निर्माण भी सृष्टि भी करता हूँ संहार भी करता हूँ भूतवा भूतवा रही कस निश्वसी कालमतावलोम जगदंडता कलाशेषो गोविंदमादिपुर तमहम भजा जब भगवान महाविष्णु श्वास लेते हैं उनके श्वास से कोटि कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं है? और जब वो श्वास को अंदर लेते हैं तब ये सब ब्रह्मांड उनके अंदर चले जाते हैं है? It's all the three worlds, both spiritual and mundane. ऐसे कोटि-कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं हा? और और जब वो श्वास अंदर हैं, लेते हैं सब अंदर चले जाते हैं तो हर एक ब्रह्मांड के एक एक ब्रह्मा होता है हा? हर एक ब्रह्मांड चलाने वाले तो भगवान बहुत आराम से लेटे हुए योगन निद्रा में बना देते हैं एक व्यक्ति आया हमारे मंदिर में बोला कि आपने अनेक पिक्चर दिखाया यही पिक्चर मुझे सबसे पसंद है बोला मैंने पूछा क्यों अगर हम लोग ऑफिस में जाकर ऐसे लेट कर काम हो जाएगा तो कितना अच्छा होता है ना <laughs> <laughs> मैंने बोला अरे भगवान सो नहीं रहे हैं योग निद्रा में निद्रा मतलब समाधि में, तो में है है। हम लोग सो ही जाएंगे ऑफिस में जाकर इतना थकावट है, है ना तो भगवान लेटे लेटे आसानी से कर लेते हैं सब ब्रह्मांड को तैयार करते हैं ऐसे इतने शक्तिशाली हैं, हैं? ब्रह्मांड को तैयार करते हैं एक बार ऐसे हुआ हमारे ब्रह्मा जी गए थे उधर द्वारका में हमारे भगवान कृष्ण ने देखा कि ब्रह्मा के अंदर थोड़ा गर्व है तो उन्होंने वॉचमैन को बोला पूछो उस ब्रह्मा को किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा आए हैं पूछो ऐसे बोला है? विच ब्रह्मा ऐसे पूछा उन्होंने तो ब्रह्मा को वो प्रश्न पूछा गया विच ब्रह्मा तो उनको थोड़ा ईगो प्रॉब्लम हो गया उनको है क्या क्या विच ब्रह्मा पूछ रहे हैं अरे इस दुनिया में मनुष्य बहुत हैं जलचर बहुत हैं उड़ने वाले पंछियाँ वाले अनेक हैं लेकिन ब्रह्मा तो कितने हैं एक ही हैं ऐसे कैसे विच ब्रह्मा करके पूछ दिया भगवान ने ठीक है लेके जाओ अंदर में उनको बता दूंगा हम तो अंदर गए भगवान द्वारकाधीश कृष्ण के पास जाकर ब्रह्मा बोले भगवान मैं ये खास विषय बात करने के लिए आया हूं आपके पास लेकिन पहले सबसे मुझे पूछना है कि आपने विच ब्रह्मा करके क्यों पूछा आपने ये समझा दीजिए तो भगवान ने बोला ये क्या बड़ी बात है मेरे पास अनंत कोटि ब्रह्मांड है अनेक ब्रह्मा है तो आपको दिखा देता हूँ भगवान ने तुरंत बुलाया सब ब्रह्मा को बुलाओ है तो अलग अलग ब्रह्मांड के ब्रह्मा लोग आए हमारे ब्रह्मा जी का चार सर होता है किसी का आठ सर है किसी का सोलह सर है किसी का बत्तीस सर है से ट्रेन में थ्री टायर होता है अनेक 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 टायर का सर है, है? है? अनेक सर है का असर है सारे ब्रह्माओं के साथ ब्रह्मा जी आ पहुंचे इसमें अद्भुत बात क्या है सब ब्रह्मा आकर सर झुक रहे हैं भगवान कृष्ण के श्री चरणों में लेकिन हर एक ब्रह्मा सोच रहा है कि मैं सिर्फ अकेले हूं इस कमरे में कृष्ण के साथ बाकी दूसरे ब्रह्मा लोग उनको दिखाई नहीं दिख रहे हैं लेकिन हमारे ब्रह्मा जी को सब ब्रह्मा जी दिखाई दिया सबके साथ ब्रह्मा एक ऐसा अद्भुत बात जैसे देखिए तो ये बहुत अद्भुत बात नहीं है क्योंकि आजकल भी कंप्यूटर कंपनी में अगर कोई ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग ज्वाइन करता है उसको थोड़ा ही एक्सेस देते हैं कोई टीम लीड होता है थोड़ा एक्सेस ज्यादा होता है उसका प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसका और भी ज्यादा एक्सेस और सीओ होता है उसको फुल एक्सेस है सर्वर रूम में जो बैठा है उसको फुल एक्सेस है इस तरह है ब्रह्मा के भगवान कृष्ण के पास सब एक्सेस है वो फुल एक्सेस दिखा दिया किसको हमारे ब्रह्मा जी को हमारे ब्रह्मा जी को लगा कि अनेक हाथियों के बीच में मैं एक चूहा बैठा हूं ऐसा लगा उनको शर्म आ गया उनको हा? ब्रह्मा जी को ऐसे तो इस तरह प्रभु रामचंद्र ने बोला कि मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड को रचाता भी हूँ नाश भी कर सकता हूं उनको इसलिए कोई भी आ, मेरे पक्ष में आकर कुछ उत्पाद नहीं मचा सकता कोई है तो ये बात समझ में आ गया सुग्रीव को सुनने के बाद तो इस तरह भगवान ने विभीषण को अपने पक्ष में लिया है उनके क्योंकि वो शरण लिया उनकी यही बात बताया जा रहा है कि अगर कोई शरण लेने के लिए जाता है कभी भी उनको नकारते नहीं भगवान है अवयम सर्वदा तस्मय ददाम ये तत् प्रथम ये मेरा व्रत है कि जो जीव मेरे पास अब आ पहुंचा है उसको कभी नकारता नहीं उनको स्वीकारता हूं इसे बताते हैं आत्मान को जित क्रोध हो दुतिमान को अनसूय कह कस्य बिब्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे ये बोल रहे हैं कि आत्मावान एकदम शांत व्यक्ति हैं प्रभु रामचंद्र एकदम शांत है हैं। जैसे चित्रकूट में बैठे हैं ऊपर पहाड़ के ऊपर देख रहे हैं भरत सारे अयोध्या वासियों को लेकर आ रहा है वो तो उसको देखकर लक्ष्मण उत्तेजित हुआ भागते हुए आया प्रभु रामचंद्र के पास आकर बोला कि देखिये देखिये ये राजा बनने जा रहा है भरत अभी पूरा सेना को लेकर आ रहा है लगता है कि हमको जंगल में भी रहने के लिए नहीं छोड़ेगा अभी युद्ध करके हमको खत्म करके जाना चाहता है ताकि वो खुद राजा रह सके हमेशा के लिए चौदह साल के लिए नहीं लेकिन हमेशा के लिए तो रामचंद्र ने मुस्कुराया बोला कि लक्ष्मण क्या तुम सोच रहे हो हाँ। वो बोले वो आप देखोगे अभी भारत आकर मुझे विनती करेगा कि आप राजा बन जाओ हाँ इसलिए आ रहा है उसका भावना में जानता हूँ तो प्रभु रामचंद्र हमेशा आत्मवान सेल्फ कंपोज वो हमेशा शांत है धीर पुरुष है इसी तरह और एक बार जब वानर सुग्रीव हैं। जो था उसने वचन था दिया था उसने आपने बोला कि अभी चतुर्मास आ रहा है वर्षा ऋतु है सीता को ढूंढने के लिए कोई जा नहीं सकता इस समय चतुर्मास होने के बाद प्रभु राम ने उनको बुलाया था आ जाओ चतुर्मास हो गया शारद ऋतु चालू हो गया सूर्य चमक रहा था आसमान में जमीन में पानी सब सूख गया सब ऋषि मुनि लोग भ्रमण करने लगे बीस दिन हो गया प्रभु राम ने बुलाया लक्ष्मण को लक्ष्मण ये वान और सुग्रीव देखो भूल गया अभी राजा बन गया वो भोग विलास में डूब गया वो अपने कर्तव्य परायण नहीं रहा हा? तो क्या करना चाहिए हम लोगों को ऐसे पूछा प्रभु रामचंद्र ने लक्ष्मण उत्तेजित हुआ बोला कि अभी इसी क्षण जाऊंगा उसको वध करके आ जाऊंगा ऐसे बोला छोड़ूंगा नहीं उस वानर को हा? वो धोखा दिया हम लोगों को तो प्रभु रामचंद्र बोले अगर तुम उसको वध कर दोगे तो काम कैसे होगा हमको सीता को ढूंढना है ना? तब लक्ष्मण ने बोला सही पूछा आपने वो भी खास बात है करना पड़ेगा तो क्या करना चाहिए प्रोग्राम से बोले उसको वद मत करो उसको सुधार कर लेके आओ उसको प्रपोजी बोलते थे डोंट रिमूव देम रिफॉर्म देम सो यू नो अगर कुछ नाता रिश्ता में भी कुछ झगड़ा हो गया हमें उसको सुधारने के लिए प्रयत्न करना चाहिए हैं उनको निकालने के बदले कभी-कभी आजकल छोटे छोटे मामलों के लिए भी लोग डाइवर्स कर देते हैं क्योंकि लोग सोच से ज़्यादा नहीं है तुरंत डाइवर्स कर देते हैं उनको लगता है कि अभी एक टी लेके आया अच्छा नहीं लगा उसको बेच दो तो दूसरा लेके आओ हैं इस तरह लोग पार्टनर बदलते हैं ये दुनिया में तो प्रभु राम से ने बोला कि मेरा मैत्री ऑलरेडी जुड़ गया है किसके साथ सुग्रीव के साथ हम दोनों ने वचन दिया है हम दोनों एक दूसरे के मित्र हैं मेरी सेवा हो गई उसके लिए उनकी सेवा क्या था आ, उनकी उनके उनकी भाई जो वाली को करके आ, इनको सुग्रीव को में बिठाया रामचंद्र ने लेकिन वो अकृतज्ञ होने के बावजूद भी रामचंद्र उत्तेजित नहीं हुए आत्मवान कभी कभी आप लोगों के मन में विचार उठेगा मैंने इसके लिए इतना सेवा किया इतना काम किया है लेकिन अभी वो भाग गया मुड़कर देखता भी नहीं आजकल भूल गया कितना कृतज्ञ है ऐसे लोग बोलते हैं हम अगर कोई कृतज्ञ होता है तो हम लोग नाराज होते हैं प्रभु रामचंद्र शांत इसलिए आत्मवान बोला गया है जितक क्रोधो उन्होंने अपने क्रोध को जीत लिया है और द्वितीमान का मतलब है दिदीप्यमान है उनका शरीर है? उसका मतलब तेज है, है प्रभाव है अनसूय है किसी भी जीव से वो ईर्ष्या नहीं करते हैं जब रावण का वध हुआ उसके बाद प्रभु रामचंद्र ने विभीषण को बुलाया बोला कि विभीषण अभी इस रावण को दहन करना तुम्हारा कर्तव्य है तुम उनके बाई हो विभीषण बोला कि मैं दहन नहीं करने वाला हूं इतना महापापी है इसलिए मैं उसको देखना भी नहीं चाहता ऐसे बोला प्रभु रामचंद्र बोले देखो एक व्यक्ति अगर मर गया मरने के पूर्व उसने जो पाप इत्यादि किया उसके बारे में हमें बात नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हम बात करेंगे वो उठकर जवाब नहीं दे पाएगा ना अभी हुँ? वो गया चला गया किसी के अनुपस्थिति में उनके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए अगर किसी के बारे में बोलना भी हो उनके उपस्थिति में बोलना चाहिए कि आपके बारे में इससे शंका है हमको आपका बताइए वो जवाब देने के लिए रहेगा उधर <laughs> अनेक लोग किसी के अनुपस्थिति में कुछ भी बोल देते हैं थोड़ा ज्यादा ही बड़ा करके बोलते हैं रामचंद्र बोले वो तो गुजर गया अभी वो गुजरने के बाद बुरा मत बोलो उसके बारे में वो जो भी था वो ऐसे था, था लेकिन उसके अनेक अच्छे गुण भी थे उसके उसके हैं लेकिन लेकिन अभी चला गया वो लेकिन तुम शरीर से तुम्हारा संबंध है भाई है तुमको दहन करना आवश्यक है विभीषण को इच्छा नहीं हुई रामचंद्र रामचंद्र बोले कि अगर तुम नहीं करोगे ना मैं करूंगा बोला उन्होंने तो उसके बाद सहमत हो गया वो विभीषण ठीक है मैं करूंगा ऐसे उसका मतलब है रावण से भी प्रभु रामचंद्र को ईर्ष्या नहीं था अनसूय कहा रावण ने कितना बड़ा उत्पात मचाया उनके जीवन में सीता अपहरण किया बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ इतने वध हुआ उसके बाद भी रावण की ओर लेश मात्र भी एक एक तरह का घृणास्पद भावना नहीं था प्रभु रामचंद्र के हृदय में यह अनसूय कहा किसी की ओर इसी तरह कई के इमाम जो थी उन्होंने दशरथ को दो वरदान मांगा आप लोग जानते हो जिसके कारण रावण जिसके कारण राम को जंगल जाना पड़ा रावण का इत्यादि हुआ तो लक्ष्मण को कहके माता की ओर बहुत क्रोध था भरत को भी भरत को भी लगा कि कहके को बिटा नहीं करना चाहिए ऐसे लगा भरत को लेकिन वो स्त्री के शरीर में थी इसलिए कर नहीं पाया वो इतना नाराज हो गया भरत भी लक्ष्मण भी नाराज हुए लेकिन प्रभु तो रामचंद्र ने बोला कि देखो लक्ष्मण माता तो पिता हमारे शुभ चिंतक हैं अगर मुझे जंगल में भेजा तो मेरे भलाई के लिए भेजे हैं ऐसे सोचा उन्होंने अनसूय कहा लेश भी उनके अंदर ईर्ष्या भावना नहीं हा? और बताते हैं कस्य देवाश्च बताते हैं देवता लोग भी डर जाते हैं उनके क्रोध को देखकर आप पूछेंगे अभी भी बोला आपने जीता क्रोध हो <laughs> क्रोध को जीता है अभी क्या क्रोध हो भी जाते हैं क्या क्रोध इतना नहीं होते अगर होते तो दुनिया गिड़गिड़ा जाता जनरली बिकम एंग्री इफ इफ बीकम एंग्री गया है वेरी डेंजरस वेन बिकम एंग्री आप पिक्चर में देख रहे हैं जब प्रभु रामचंद्र ने देखा कि समुद्र देवता समुद्र को बोला कि मार्ग दो हमको लंका जाना है समुद्र मार्ग नहीं दिया हा? और चुप रहा वो तब प्रभु रामचंद्र ने ऐसे अपने क्रोधित अंकों से देखा अपने हाथ में धनुष बांध लिया तो पूरा समुद्र उबलने लगा जैसे बॉइलिंग वाटर से है सब जलाचर तड़पने लगे हैं गर्मी बढ़ गया पानी का तो जरा सोचिए हम लोग एक टम्बलर में पानी लेकर एक लोटा में पानी लेकर भी उसको गर्म नहीं कर सकते जितना भी नाराज हो जाए आप हाँ? वे कर सकता है उसको उबाल सकता है कोई हाँ? जिस ये भगवान और जीव में बड़ा फर्क है करेक्ट है ना ये बड़ा फर्क इसलिए कभी कभी कोई भी इंसान बोल देता है कि मैं भगवान हूं उनको पूछना चाहिए दिखाओ तुम्हारे क्रोध देखते हैं तुम्हारे क्रोध से क्या उबलता है देखेंगे है हाँ? ना भगवान तो समुद्र को उबाल रहे हैं हाँ? तो भगवान के कार्य इससे होता है जो साधारण जीव उसका नकली नहीं कर सकता एक बार आ, आ, मैं ट्रेन में था ट्रेन में हम बर्थ में हम लेटे थे सुबह उठकर हम जपा चालू किया हमने तो दूसरे बर्थ में जो था वो सोया हुआ था पांच बज रहा था चाय वाला आया चाय वाल मांगा चाय चाय आ रहा था मांगा उसने एक चाय तो ऐसे आधा नींद था उसका तो लेकर चाय को मुंह में रखा इतना गर्मा गर्म चाय था वो धुआं निकल रहा था वो उसका वोट जल गया हा चिल्लाते हुए उसको फेंक दिया वो वो नीचे गिर गया छाई वाले को चिल्लाया अरे मूर्ख इतना गरम दे दिया तुमने अरे वोट जल गया पैसा नहीं मिलेगा तुमको निकल जा ऐसे बोला उसको तो मैं हंस रहा था मैं तो मुझे देखकर वो मुझे देख रहा है देखर, स्वामी जी क्या हंस रहे हैं मेरा हंस क्यों आया उसके पूर्व रात्रि सोने के पहले मैंने भगवान के दावाग्नि पान का लीला पढ़ाया मैंने भगवान तो आग को पीते हैं वृंदावन के जंगल में हा? एक मुंजा टवी मुंजा टवी नाम का एक आज भी है उधर वृंदावन में मुंजा टवी एक जंगल है उधर भगवान और भगवान कृष्णा और बाकी गोपों के गाय घूमते घूमते उधर लंबे लंबे हरियाली थी उधर घास थी उसको देखकर कर तृण लोग होकर ये सब गाय उधर चली गई गाने खाने के लिए लेकिन बड़े बड़े बांस था उधर चारों दिशाओं में अचानक आग पकड़ लिया उसको हा? और आग घेरने लगा तो गए अपने मित्रों के साथ बोले मित्रों को सब लोग आँख बंद कर लो सब लोग लो आँख बंद कर दिया भगवान ने उस सारे आँख को पी लिया उसके बाद बोला कि अभी आंख खोलो सब ठीक हो गया आंख खोले सब एकदम साफ हो गया कुछ आग नहीं था तो रात को ही मैं पढ़कर सोया था अगले दिन देखा इसका ओंड जल गया इस व्यक्ति का मैं क्यों हंसा मैंने अगर कोई भगवान बोलता तो गरम-गरम चाय छाय चाय पिलाओ भगवान आग पी रहे करेक्ट है ना <laughs> इसलिए इसी तरह भगवान और जीव में फर्क है कि नहीं जमीन आसमान का फर्क है तो इस तरह प्रभु रामचंद्र ने ऐसे तीर दिखाया उस समय इतना उबलने लगा पानी समुद्र इतना तो भागते हुए आया दंड प्रणाम किया बोला कि प्रभु आप तो नर लीला कर रहे हो नर लीला में आपने आदेश दिया मुझे समुद्र मार्ग देने के लिए इसलिए मैंने नहीं दिया अगर आप भगवान का भूमिका निभाना चाहते हो आदेश तो आप जो बोलेंगे हम करेंगे ऐसे बोला उसने प्रभु रामचंद्र ने मुस्कुराया बोला कि नहीं नहीं तो मार्ग मत दो हम सेतु बंद करेंगे अभी हा? दूसरा चमत्कार करेंगे अभी ऐसे बोले सिर्फ भगवान ने अपने भगवत्ता को दिखाया सारे दुनिया को हा? उस समय भगवान जो उत्तेजित हुए तब सारे भूमि गिड़गिड़ाने लगा और आसमान के सब देवी देवता भी गिड़गिड़ाने लगे देवाच जातरोष्ट संयुगे परम कौतूहल में महर्षे समर्थो नरं हे परम ऋषि नारद मुनि आप जानते हो कि ऐसे कोई व्यक्ति है क्या इस समय में आप बताइए ऐसे पूछते हैं तो ये सोलह गुण पूछा उन्होंने जो एक ही लिस्ट में मैंने आपको दिया इधर तो किसके पास ये सोलह के सोलह सब गुण है सब लोग बोलिए गुणवान वीरवान धर्मज्ञ कृतज्ञ सत्यवाक्य दृढ़व्रत चारित्रवा सर्वूतेषु हिता विद्वान्थ प्रियदर्शन है आत्म जितक्रोधतिमा दिव्यति बिप्यतिदेवा ये भगवान रामचंद्र के सोलह गुण हैं तो उनमें ये सब गुण हैं ऐसे वो बताएँगे अभी हाँ नादमन को बोलेंगे कि अभी सुनो ऐसे एक व्यक्ति अभी अवतरित हुआ है जिसका नाम है रामचंद्र अयोध्या में वो दशरथ पुत्र है हा? उसके अंदर ये सब के सब गुण है बताते हैं भगवो दुर्लवाश्चया की गुणा मुने व्याम्य हम बुद्धवा तैर्युक्त श्रूयता से सुना हूं, और मैं आपको अभी बता रहा हूँ तुम सुन लो ऐसे व्यक्ति कौन है हां? और बताते हैं वंश प्रभव रामो नाम जन नियतात्मा महावीर जुतिमान धृतिमान वशी एक इक्श्वाक कुल में अवतरित हुआ है ऐसे व्यक्ति भगवान खुद ही आए हैं राम प्रभु रामचंद्र के रूप में हाँ और बताते हैं हा? वो नियत आत्मा मीन्स सेल्फ कंट्रोल्ड महावीर है हाईली वैलरस वन दृतिमान रेस्प्लेंडेंट वन दृतिमान स्टेट फास्ट वशी कंट्रोलर ऑफ वॉइस एंड द सेंसेस तो इस तरह प्रभु रामचंद्र के गुणों की वर्णन आगे करते हैं तो पिक्चर में वही दिखा गया है है सब जीवों को हित चाहने वाले तो इनकी शासन जैसे शासन कभी नहीं रहा है आजकल भी लोग याद करते हैं प्रभु रामचंद्र के शासन को जब इनको जंगल जाते समय रत्ते में बैठे थे पीछे मुड़कर देखा उन्होंने ब्राह्मण लोग भी पीछे आ रहे थे तो प्रभु रामचंद्र ने सुमंत्रा को बोला कि ये वृद्ध ब्राह्मण पीछे आ रहे हैं वो चल रहे हैं मैं कैसे रथ में जा सकता हूँ उतर गए नीचे हां। तो वो भी चलने लगे ले लेकिन पीछे नहीं मुड़ा क्यों उन्होंने सोचा कि मैं पीछे मुड़कर उनकी बात सुनूंगा तो अयोध्या रिटर्न जाना पड़ेगा मुझे है इसलिए मैं जो व्रत धारण किया हूं उसको छोड़ूंगा नहीं लेकिन मैं भी चलूंगा इस जंगल की ओर चले तो तो एक गुण के लिए एक एक प्रवचन दिया जा सकता है उनके अनेक लीलाएं हैं अद्भुत लीलाएं हैं अनेक लीलाएं तो ऐसे प्रभु रामचंद्र हम जैसे जनता को सिखाने के लिए आए हैं एक आदर्श आत्मज पुत्र कैसे होने चाहिए एक आदर्श पति कैसे होने चाहिए एक आदर्श ब्राता कैसे होने चाह होना चाहिए एक आदर्श राजा नेता राजनेता कैसे होनी चाहिए हाँ और हम लोग परजीवों के साथ कैसे पेश आना चाहिए तो अनेक चीजों को सिखाते हैं उनका चरित्र बहुत अद्भुत चरित्र है और रामायण पढ़ने से कभी कभी लोगों को कुछ मन में शंका उठता है लोग बोलते हैं कि क्या है किसी धोबी की बात सुनकर अपने बीबी को जंगल में भगा दिया भेज दिया प्रभु रामचंद्र को लोग आलोचना करते हैं इस तरह है। लेकिन आप देखेंगे अः प्रभु रामचंद्र ने लक्ष्मण को बोला कि सीता को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ो हा? क्योंकि वाल्मीकि के आश्रम के निकट अनेक ऋषि रहते थे जो विवाहित थे ऋषि और ऋषि पत्नी उनके बच्चों के साथ रहते थे गुरु गुरुकुल के साथ रहते थे उधर छोड़ने के लिए बोला क्योंकि सीता सुरक्षित भी रहेगी साथ साथ उनके प्रजा कुछ अपमान नहीं कर सकता है राजा को क्योंकि राजा के चरित्र में कलंक नहीं होना चाहिए Caesar's wife must be above suspicion, हाँ। तो मतलब है जो ये होता ये राजा होता है उसके ऊपर उंगली दिखाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं होना चाहिए ऐसे एक आदर्श राजा का भूमिका निभाए उन्होंने क्योंकि प्रभु रामचंद्र के अर्धांगिनी है सीता शक्ति और शक्तिमान को कोई अलग नहीं कर सकता जैसे सूर्य और सूर्य की ताप को कोई अलग नहीं कर सकता हा? फिर भी कभी लीला के लिए भगवान सीता से बिछुड़ते हैं जैसे सीता रहती है लंका में और भगवान रहे पंचवटी में सिर्फ लीला क्योंकि ऐसे लीला करने से सब जीवों को सेवा का मौका मिलता है अभी सीता को ढूंढते हैं युद्ध करते हैं और शक्ति शक्तिमान को जोड़ते हैं लोग हैं जब शक्ति शक्तिमान साथ में है सीताराम तब भक्त लोग उत्सव मनाते हैं जब वो बिछड़ जाते हैं उस समय भक्त लोगों की सेवा बढ़ जाता है, है? उससे इस तरह प्रभु रामचंद्र एक आदर्श राजा का भूमिका नहीं बोलते हैं कि फॉर अ किंग यू नो हिस्स सर्विस टू द नेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विस टू हिज ओन पर्सनल फैमिली मोर देन पर्सनल रिलेशनशिप फॉर अ किंग बिकॉज किंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ द नेशन वो अपने जैसे एक सैनिक युद्ध में जा रहा हो मार हो रही है क्या घर में रहना चाहिए उसको युद्ध में जाना चाहिए वार में बोलिए कितने लोग बोलते हैं वार जाना चाहिए उसको कितने लोग बोलते हैं मार हो रही है इसलिए घर में रहना चाहिए कोई कोई बोलेंगे नहीं हाँ क्योंकि द टू नेशन इज बिगर देन टू होम ये राम ने दिखाया अपने चरित्र के द्वारा दूसरा चीज लोग बोलेंगे आपको क्या है प्रभु रामचंद्र ने चुपके चुपके एक पेड़ के पौधे के नीचे कड़े हो पीछे खड़े होकर वाली को वध किया ये गलत है ऐसे कुछ लोग बोलेंगे आप अगर रामायण पढ़ेंगे उधर ऐसी बात आता है जब वाली के वक्षस्थल पर एक बाण पहुंच गया तीर उस तीर को निकाला और देखा उसमें लिखा था राम नाम लिखा था तुरंत वाली ने बोला कि तीर को कोसने से क्या होने वाला है तीर चलाने वाले को पूछना चाहिए ऐसे बोला उन्होंने तब पूछा हे राम तब राम भी सामने आ गए उनके समक्ष आ, राम को पूछा कि हे राम मैंने सुना कि तुम तुम अनेक गुणों से सुशोभित हो और तुम दशरथ पुत्र हो रघुकुल तिलक हो इतने श्रेष्ठ पुरुष होते हुए भी आपने ऐसे एक गलत काम कैसे किया कि आप एक पेड़ के पीछे चुप कर आपने मुझे मारा तब प्रभु रामचंद्र ने बोला एक्चुअली वाली जो होता है वो इतना बलशाली था वो एक बार रावण को पता चला वाली के बारे में वो क्या किया उसको मालूम था कि वाली के सामने जाओगे तो आपका आधा शक्ति वाली को चला जाएगा हाँ ऐसा उसका एक वरदान था ऐसे तो क्या किया रावण वाली के पीछे गया पीछे से मैं देखूंगा क्या क्या करता है लेकिन जब पीछे गया उसके पूंछ रावण को टच किया तो उसको लगा कि कुछ मच्छर है पीछे उसने पूंछ से उसको पकड़ लिया किसको और देखा।, देखा भी नहीं वो कौन है क्योंकि वाली तीन गायत्री करने के लिए सुबह दोपहर शाम को तीन धाम में जाता था वो तो चार धाम में तीन धाम कवर करता था वो तो सुबह और दो दोपहर शाम तीनों टाइम जाकर रात के टाइम जब वापिस लौटा है देखा कि मुड़कर देखा उसको अभी पूंछ को लाया सामने हाँ? आप देखा कि दशानन है दशानन का मतलब है हाँ? तो उसको उठाकर उसके बेटा जो था अंगद वो छोटा बच्चा था एक पलना में लेटा था उस पलना में लटका दिया उसको हाँ? बच्चे को उसको एक जैसे माता है कभी कुछ खिलौना को लटका दिया ऐसे हाँ? आप देख सकते हैं कितना शक्तिशाली है हाँ? तो वाली ने बोला प्रभु रामचंद्र को हे रामचंद्र मैं इतना बलशाली हूँ रावण को खिलौना बनाया मैंने अगर आपको सीता को लाना हो तो एक दिन में मैं रावण को वध करके सीता को लौटा सकता हूँ आपके पास मेरे साथ मैत्री जोड़ने के बदले आपने मैत्री जोड़ा मेरे बेचारा भाई सुग्रीव के पास ये बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे ऐसे बोला उसने क्यों मेरे साथ आपने मैत्री नहीं जोड़ा ऐसे पूछा उन्होंने हा? देखिए वाली का क्या योग्यता था बोलिए शोर प्रख्यात चल पौरुष बलवान वानी संयुगेश बड़ा अशूर था वो हाँ जैसे मैंने बताया आपको शूरमानी उसका गर्व भी था उसको कि मैं बड़ा शूर शूरवीर हूँ प्रख्यात बल पौरुष है वो बहुत प्रसिद्ध भी था उसके बल के लिए हा? बलवान वानुरेश अपराजित किसी भी युद्ध में वो कोई उसको जीत नहीं सकता था इतना बलशाली था और सुग्रीव का योग्यता बताया गया इधर इधरेंद्रो महावीर तेजोबान अमित प्रभ सत्यसंधो संधो विनीतम मदिमान महान ये बता रहे वनरेंद्र जो सुग्रीव जो था वो भी शक्तिशाली था तेज तेजवान था वो भी हाँ, हाँ, और लेकिन उसके पास दो अच्छे गुण थे क्या है सत्य संध सत्यपरायण था अर्विनत से नम्रता हो, हाँ, अच्छा, नम्र हो हाँ, लेकिन वाली ने सुग्रीव के धर्मपत्नी जो रूमा है उसको चोरी कर लिया था हाँ उसको उठा लिया था उसको तो तो अभी वाली पूछ रहा है प्रभु रामचंद्र को मा मे वैधि पूर्व तम ये तथम चोदय मैथिली महमे का अरे प्रभु रामचंद्र एक दिन में मैं आपकी धर्मपत्नी सीता को लाता था वापस रावण को वध करके हा? लेकिन मुझे लगाने के बदले आपने क्यों मैत्री जोड़ा मेरे भाई के साथ ऐसे पूछ रहा है रामचंद्र क्या बोल रहे हैं देखिए शक्यम उपेक्षित अरे तुम धर्म के पद को तोड़ा है तुमने तुमको जिंदे में जिंदा में कैसे छोड़ सकता हूं तुमको ऐसा पूछ रहे हैं अगर किसी ने धर्म के पद को तोड़कर किसी पर पत्नी को अपहरण किया है तुमको पहले जिंदा नहीं छोड़ना ये मेरा धर्म है इसका तो मतलब क्या है प्रभु रामचंद्र को अपने पत्नी सीता को वापस लौटाना इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना दूसरे लोग गलत करते हैं उनको दंड देना यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज फॉर हिम टू रूल एज ए किंग हम चर्म धर्मादिक्रांत तुम बलशाली हो वाली लेकिन तुम्हारे अंदर चरित्र नहीं है अगर किसी के पास कॉम्पिटेंस है लेकिन कैरेक्टर नहीं है तो हमको नहीं चाहिए ऐसे बोल रहे हैं लेकिन सुग्रीव जो है वो सत्य संध है और वो विनीत है और वो तुम्हारा छोटा भाई है लेकिन उत्तम है उसका गुण हु? लेकिन तुम्हारा गुण जो है तुम्हारे पास तुमने पर स्त्री को अपहरण किया है इसलिए तुम जैसे लोगों के साथ मैं मैत्री नहीं जोड़ूंगा ऐसे बोल दिया उन्होंने अब तो इसके विरुद्ध मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं जिंदा क्योंकि तुमने उसका पत्नी का अपहरण किया है तुमको दंड देना ये हमारा कर्तव्य है तुमको मैत्री जोड़ना हमारा कर्तव्य नहीं है भगवान ने बोल दिया ऐसे तो आ, तब तब वाले ने उनको पूछा ठीक है आ, आपने जो अभी मारा हमको पीछे से मारा ये क्या धर्म है आप तो धर्म के मूर्तिमान स्वरूप आपने क्यों ऐसे किया तब प्रभु रामचंद्र ने बोला कि देखो तुम पहले बताओ मुझे क्या तुम मनुष्य हो नहीं तो वानर हो मनुष्य हो नहीं तो जानवर हो है? अगर जानवर होता कोई उसके पास मस्तिष्क नहीं है बुद्धि नहीं है उसको है? क्या विवेक बुद्धि नहीं है क्या सही है क्या गलत है, है? जैसे मातृवत पारा दूसरों की पत्नी को माँ के रूप में देखना चाहिए वो अकल नहीं है जानवरों को अभी कुत्ता किसी भी कुत्ते के पास भागेगी वो है अभी सुअर है वो पेट भर के गंदा चीज खाएगा वो और उसके माता बेटी बहन किसी के पास भी जाएगा मैथुन के लिए उसको ये नहीं विवेक बुद्धि नहीं है हा? तो जानवरों को ऐसे होता है तो प्रभु बोले कि अगर तुम जानवर हो जानवर को हम पीछे चुप कर शिकार कर सकते हैं करेक्ट ना तो शिकार करने में गलत है क्या गलत नहीं है हाँ और अगर तुम विवेक बुद्धि वाले हो तुम जानते हो कि अपने पत्नी को छोड़कर मातृवत पर दारेश दूसरों की दारा को माँ के रूप में देखना चाहिए अगर ये धर्म की बात तुमको मालूम है तो तुमने वो इस धर्म की बात को पालन नहीं किया है जो धर्मे नहीं नशुबेर समान इसलिए पशु पशुवत् तुमने काम किया इसलिए इस तरह मारने के लिए तुम योग्य हो गए हो अपने आप को योग्य बना लिया तुमने जब ये बात सुना वाली समझ गया अपनी गलती को समझ गया माफी मांगा भगवान से बोला कि आप तो परम पुरुष हो आपके पास कौन वाद विवाद कर सकता है आपने हमको सही ढंग से समझा दिया आपने मैं आपके श्री चरण में आश्रित होता हूँ और मैं अभी मरने जा रहा हूँ लेकिन मरने के पहले मेरे नेकलेस को निकाल कर उन्होंने नेकलेस को निकाला अपने बेटे अंगद को नहीं दिया उन्होंने सुग्रीव को बुलाया बुलाकर सुग्रीव के गले में डाल दिया कि बोला कि तुम राजा रहो अभी इससे पता चलता है कि वाली का हृदय सुधर गया हाँ, अंतिम काल में और उसने सुग्रीव से एक विनती किया मेरे बेटा जो है अंगद उसको प्रेम दिखाओ उसको अच्छे तरीके से संभालो उसको हाँ. प्लीज डोंट रिजेक्ट हेम डोंट नेगलेक्ट हेम टेक केयर ऑफ हेम हाँ. ऐसे उनको विनती किया और प्रभु रामचंद्र को देखते हुए हाँ, उनको प्रार्थना करते हुए शरीर त्याग वाली तो हम लोग देख सकते हैं प्रभु रामचंद्र के स्टैंडर्ड क्या है हाँ? उनका एक्चुअली उनको बहुत सपोर्ट मिल सकता था वाली से लेकिन उसका सहयोग नहीं लिया उन्होंने <laughs> क्या पता चलता पता चलता चलता है है उनके हाउ स्ट्रिक्ट इस तो तरह रामायण में कोने कोने में हमको कुछ शंका हो तो हमें पूछताछ करके उसको समाधान प्राप्त कर लेना चाहिए है? तो हम लोग इस तरह रामायण बहुत बड़ा समुद्र है उस समुद्र के कुछ दो चार बूंदों को मैंने आपके समक्ष प्रदर्शित किया हाँ? लेकिन इससे हमारी रुचि बढ़े और हम और अच्छी तरीके से रामायण पढ़कर अपने जीवन में प्रभु रामचंद्र के चरित्र से प्रेरित होकर हम कुछ दो चार अच्छे गुणों को हम पकड़ लेंगे अपने जीवन में तो हम धन्य बनेंगे इससे हाँ? श्री राम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री राधा गोविंद महाप्रभु की श्री जगन्नाथ बल महारानी की जयला प्रभुपाद की गौरव गौर भक्त वृंदा की थैंक यू एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस कोई प्रश्न पूछना चाहता है ओके सवाल के अंदर वन माता जी आल्सो देयर एंड यर वन प्रभु जी आल्सो भक्ति पथ में तो उसको कैसे आगे बढ़ आगे बढ़ना चाहिए हम्म एक्चुअली भक्ति करते समय बाधाएं अनेक तरीके से आते हैं कभी कभी हमारे परिवार वाले सोचेंगे कि हम भक्ति में गंभीर बन रहे हैं परिवार के जिम्मेदारियों को हम नकार रहे हैं तो हमें इसलिए पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी पूर्ति करना चाहिए जैसे आप माता हैं आपके पति आपके बच्चे आपके माता पिता नहीं तो आपके सास ससुर इनकी और आपके कर्तव्य जो है उसको करते करते साथ साथ भक्ति करना चाहिए तो वो लोगों को वो लोगों के दिमाग को शांत रखेंगे तो आपका भक्ति अच्छा होगा अगर आप घर की ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए भक्ति के नाम में हम बोलते हैं सुबह उठकर एक माता जी बैठ गए जापा करने के लिए पति बोलेगा अरे तुम कुछ नाश्ता नहीं बनाया हम क्या कहेंगे बच्चे को नहाना है बच्चे को स्कूल बेचना है तो हम लोग बहुत एक आध्यात्मिक कर्तव्यों का एक संतुलन रखना चाहिए ये एक बात है दूसरी बात है अगर दूसरों से हमको तकलीफ नहीं हमारे मन तकलीफ देता है भक्ति नहीं हो पा रहा है मन हमारी बात नहीं सुन रहा है मन बहुत तंग कर रहा है तो हमें भक्तों के संग में भक्ति करना चाहिए हाँ आजकल जूम में अनेक लोग जपा करते हैं सुबह के टाइम सैकड़ों लोग साथ में आकर तो दूसरे भक्तों के साथ जपा करना आसान है दूसरे भक्तों के साथ कार्यक्रम अटेंड करना सेवाओं में जुड़ना तो भक्ति और आसान हो जाता है संग शक्ति के लिए हमने कहानी सुना एक बार कुछ बीस पच्चीस पंछियाँ उड़ रही थी टूट रही थी भोजन के लिए जंगल में एक पेड़ में जाकर बैठा तो उन्होंने देखा कि एक वो पेड़ के नीचे अनेक धान्य पटाता तो तुरंत नीचे उतर गए उतर आए और खाने लगे साहब लेकिन काते खाते देख लिया कि वो एक जाल भी बिछा गया उधर जाल में पकड़े गए सब हम तब देखा कि जाल चार वोर एक किला लगाया गया है तो उड़ नहीं पा रहे हैं तब पंछियों ने सोचा कि कोई शिकारी ने लगाया है फंस गए हम लोग अभी गए हमको रोस्ट करके खाएगा वो है। सोचा हमने क्या होगा हमारा उस समय एक पंची ने आइडिया दिया कि देखो आ रहा है शिकारी तो आने के पहले हम लोग एकदम हमारे शक्ति लगाकर साथ में हमारे पंखे हिलाएंगे हैं? तो 25 के 25 पंछिया क्या करने लगी जोर से अपने पंखों को हिलाने लगी तो चार किला जो था ऊपर निकल गया तो जाल के साथ उड़ने लगे वो है सब के सब पंछिया शिकारी जोर से जो जो चला रहा था आए आए चला रहा था वो तो उड़ गए बहुत दूर जाकर एक चूहे के पास जाकर वो चूहा जाल को काट दिया सब सब के सब बच गए तो ये कहानी का मॉरल क्या है अगर भक्तों लोग साथ में आकर भक्ति करते हैं तो दुनिया के जाल से हम लोग ऊपर उठ जाएंगे हाँ साथ में आकर करने से अकेले करना मुश्किल है अगर ये कि पंच स्केप करने के लिए ट्राई करता है स्केप नहीं कर पाएगा वो साथ में करना पड़ेगा उनको हाँ तो साथ में भक्ति कीजिए बहुत आध्यात्मिक जिम्मेदारियों का संतुलन रखिए और आ, काल में भक्ति करने के लिए प्रयत्न कीजिए रात को जल्दी सो जाइए जल्दी उठिए तो इससे आपको जवाब मिला माता जी हम्म घुमाई दीजिए उनको जो हमको कैसे मिलेगा हम तो मायापुर का जो लाइव टेलीकास्ट होता है ना वो टीवी में जोड़ लेते हैं उनमें जो सब समय हरिनाम संकीर्तन होता है है उससे हमको बड़ा प्रेरणा मिलता है। तो वही मेरे लिए भक्तों का संग है और इसके अलावा कुछ अगर भक्तों का संग मिले कैसे मिले वो आप जरा बताए इधर आप इसी एरिया में रहते हैं इधर अनेक कार्यक्रम होते हैं नहीं मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर पर यस अच्छा किस एरिया में रहती है आप मैं राजाट में रहती हूँ oh, मंदिर हाँ। में हाँ जी। देखा आपने? हाँ जी, वो... आप हर दिन आ सकती है सुबह मंगलार लिए उधर गौरता का मंदिर तो मैंने देखा न्यूटाउन में न्यूटन में।, न्यू में ही करेक्ट न्यूटन में ना हाँ वहां में गई हूँ सेम टेम्पल ना करेक्ट उधर हर दिन सुबह प्रातः काल में कम से कम सौ भक्त लोग है मंदिर के हाल में वहाँ दूर पड़ता है ना इसलिए प्रभु जी मैं जा नहीं सकती हूँ तो मैं मायापुर का टलाई टेलीकास्ट से प्रेरित हूँ आपके घर के निकट भी होंगे। शायद आपको नहीं हाँ, वो टेकिंग द न्यू कौन मेरा नाम प्रेम लता अगर वाला है तो मैं जुड़ना चाहती हूँ आपको टेबल में इंट्रोड्यूस कर देंगे किसी और माताओं के साथ इधर अनेक माताएं बैठी है आपके एरिया में ये आपके बड़ी कृपा होगी आप पहली बार आए आपको कैसे पता चला आपको इस कार्यक्रम के बारे में मेरे को जी हाँ अभी उनके टच में रहना आप जी हा? जरूर 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 आपको ग्रुप मिल जाएगा ठीक है हरे कृष्ण और एक प्रश्न इधर उधर एक प्रभु जी ये तो प्रभु जी जो सीता जी के सीता जी को रामचंद्र जी ने जो वनवास भेज दिया था तो उसमें जैसे आपने बताया कि राजा के लिए अपना कर्तव्य बड़ा होता है लेकिन क्या ये राजा का कर्तव्य नहीं है कि उसकी प्रजा में अगर कोई भूल बात कर रहा है तो उसको भी सुधारा जाए जैसे धोबी था उसने क्योंकि धोबी का धोबी ने क्या बोला उसकी पत्नी कहीं और दूसरे गाँव में गई थी शाम को आ नहीं पाई वो रात तक पहुंच नहीं पाई देरी हो गया उन्होंने सोचा कि रात अंधेरे में वापस लौटना अच्छा नहीं वो, वो सुरक्षित अवस्था नहीं है तो उस गांव में कहीं ठहर लिया उन्होंने रात को अगले दिन सुबह आ पहुंची, तो पति को शंका हुआ कि, कि किसके यहाँ गई थी तुम किधर ठहरा तुमने तब उसने ऐसे ही बोल दिया कि प्रभु रामचंद्र ने सीता को अनेक महीनों के बाद स्वीकारा है मैं प्रभु रामचंद्र जैसे नहीं हूँ कि मैं तुमको स्वीकारूंगा तुम्हारे चरित्र में कलंक आने के बाद में कैसे तुम तुमको नहीं स्वीकारूंगा ऐसे बोला उसने उसको एक जासूस सुन लिया आकर प्रभु जी को बताया तो तब रामचंद्र ने रामचंद्र ने बोला कि अगर इस तरह अयोध्या वासी कोई सोच रहे हैं तो राजा का दोष बोलकर तो प्रजा में भी इस तरह उनका चरित्र में कलंक आ सकता है अगर राजा अपेक्षा करता है कि उनके प्रजा में किसी भी तरह का दूषण न आए तो ऐसे चरित्र में बात हो कि प्रभु रामचंद्र ने सीता को नहीं स्वीकारा उनको वनवास के लिए भेज दिया तो देन ऑल द प्रजा विल बिकॉज यथा राजा तथा प्रजा देन द प्रजा विल फॉलो द किंग बाय स्ट्रिक्टली अडियरिंग टू द लाइफ ऑफ कैरेक्टर दैट वाज रामास पॉइंट इज क्लियर नहीं, लेकिन उसके पहले तो उनकी अग्नि परीक्षा हो चुकी थी हो चुकी so तो थी so right तो ये तो सबको पता था एक्चुअली एक्चुअली करेक्ट करेक्ट सो ऑफ मेकिंग अवेयर दैट नो दिस इज द द रियल केस एंड पुटिंग राइट पर्सपेक्टिव ये सबको मालूम है आजकल की दुनिया में भी हमारा अनुभव है कभी कभी लोग एक ही चीज को बोलते रहते हैं उसका निरूपण होने के बावजूद भी करेक्ट ना लेकिन प्रभु रामचंद्र ऐसा ये गोल्ड स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं यू नो बिकॉज ही इज लॉर्ड हिमसेल्फ यू नो so the standard he sets is impeccable standard we cannot even imitate huh? but from that we can learn one thing that personal life and political life if you see for him the country is far more important than his personal pleasures अपने uh, uh, खुशी को भी त्यागने के लिए एक राजा को तैयार रहना चाहिए huh? आप देखेंगे जैसे प्रधानमंत्री होता है और गांधी भी उनके जमाने में 18 घंटा वो जागरण रखते थे हर दिन huh? काम करते थे ऐसे सो फॉर द सेक ऑफ द कंट्री दे ले डाउन द लाइफ सो ही वॉन्ट्स टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर दैट एक्चुअली मेनी पीपल विल मेक सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स लाइक यू इस तरह का आर्ग्यूमेंट हमेशा आता है लेकिन द किंग फॉर अ किंग टू बी फ्री फ्रॉम एनी कैरेक्टर इश्यू देन द किंग हैज टू सेट अ वेरी हाई स्टैंडर्ड इट्स वेरी इंटग्रिटी इट सेल्फ इज पाथ वैर यू नीड टू टॉलरेट पेन बिकॉज

राइट एंड दैट टाइम रामचन्द्र टोल्ड हिम यू नो कि पिता अगर अधर्म करने के लिए भी बोलते हैं तो उसको करना चाहिए राइट और उन्होंने एक एग्जांपल ही didn't say like that what he said he told that jamadagni told his sons to cut right. the head of renuka his wife you know and uh, sons were not ready so then the sons all of them became cursed to become ghosts and one son was parasara. so he took the parshu and cut her neck. and the father became pleased. and then the father told parasara that, you know, okay, i can give you three boons. you can ask me what do you want. so the first boon he said, you know, please revive my mother back. she's also very dear to me. and second boon he said, let she forget that i cut her neck. Huh? On third boon, he asked, bring my brothers back to life. So then everything was resumed as it was before, and father was capable. So Prabhuram Chandra quoted this: that Parashuram followed the Pitruvachan. He followed this. And Jamadagni was not an ordinary person. He was capable of, you know, cursing on one hand and reviving the people back on the other hand. He was a very highly powerful Brahman, also like that. So he quoted that. In the pitru has to be followed by the son and the guru's order should be followed by the disciple huh? so, and the guru because why? because the guru follows his superiors. ultimately guru fo follows the disciple line coming from god himself. In, the, in this world you will always find there is a superior subordinate. always. wife should follow the husband. children should follow the parents. disciple should follow the guru. you know, like that son should follow the father that's what ram quotes is it clear yeah but in valmiki ramayana like what i what i read was that the example which ramchandra gave to lakshmana was that kandu. He, yeah he gave the quotation of a particular you know muni who had asked his son to kill a cow cow yeah, that kandu, kandu kandu, kandu, kandu muni yeah so yeah. so uh, like that is what i wanted to understand now for example he's a rishi will a rishi ever tell anyone to kill a cow because Rishis actually use the milk of the cow for their making ghee and using it in sacrifice. <laughs> so how will a Rishi tell someone to kill a cow? Either the cow is a Rakshasa and he has to be killed, just like Vatsasura or Dhenukasura and all. Sorry, not Dhenukasura, Vatsasura and arishtasura So if he is Asura coming in the form of a cow, it has to be killed, Or he is checking in the surrender of the son who will kill the cow and he will bring the cow back to life. He'll have the capability. Because no uh, saintly Rishi who, is, who has sanity will ever ask anyone to kill a cow, because they worship the cow. they do go puja also. Is it clear now?.: right. Yeah, thank you.. एंड प्रभु आई सॉ वन ऑफ योर वीडियोज ऑन यूट्यूब वेर यूर यू नो डिस्कसिंग कि विभिन्न पुराणों में जो अन्य देवी देवताओं को भगवान के हिसाब से प्रतिपादित किया गया है yeah. तो उसमें आपने वो एग्जाम्पल दिया था देवी भागवत से कि क्रिएशन टू दिल्ली ऑन इज यू आर लेकिन शिव पुराण का यहाँ पे जैसे कि शिव पुराण में लिखा है अभी शिव पुराण में भी खोजना पड़ेगा हमको इसी तरह मैंने अभी तक रिसर्च किया नहीं उसमें अगर आप शिव पुराण को डिटेल में पढ़ेंगे आप तब आपको पता चलेगा कि इसी तरह सेक्शन अभी देवी भगवत बहुत बड़ा है वो भी बताया था मैंने जब ब्रह्मा जी थोड़े तो अहंकारी हो गए तब शिव जी ने बोला कि जो मेरे जटा को छुएगा तो वो मेरे से श्रेष्ठ है तो ब्रह्मा जी अहंकार के वश में आए थे इसलिए वो छूने के लिए गए तब शिव जी अपने आकार बढ़ाने लगे हा? इतने ऊंचे 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 हुए कि ब्रह्मा पकड़ ही नहीं पाए उनको उतना हम पढ़ते हैं शिवपुराण में लेकिन ये दूसरे पुराण में भी ये कथा आता है दक्षिण भारत में एक शिव स्थल है उधर एक लीला स्थल है उधर भगवान वराह देव भूमि को कोद रहे थे वो तो शिव जी के चरण को छूया उन्होंने तुरंत शिव जी नीचे मुड़कर देखा जैसे अगर आपके चरण को कोई छूता है वैष्णव लोग अलो नहीं करेंगे अनुमति नहीं देंगे तो तुरंत ऐसे शिवजी ने देखा तब वरादेव ने उनके सर को छू लिया तुरंत तब शिवजी हंस पड़े बोले कि प्रभु आप अगर मेरे सर को छूया नहीं छूए आप तो मेरे स्वामी हैं ऐसे बोला उन्होंने तो अभी शा, शा, शाइबिट लोग बोलते हैं क्योंकि वराह देव ने शिव जी की पाँव छूया इसलिए शिव जी भगवान हैं और वराह देव उनके दास हैं ऐसे वो लोग बोलते हैं वैष्णो लोग बोलेंगे देखिए देव ने उनके पांव छुया ताकि उनके सर को छूने के लिए आइडिया मिले इसलिए तो कभी कभी इस तरह के उन लोगों के बीच में वाद विवाद होता है लेकिन हमें देखना चाहिए कि सब पुराणों को जोड़कर हमें देखना चाहिए जैसे भी शिव जी नाम जप करते हैं ध्यान करते हैं ये सबको मालूम है आपने सुना है देखा भी है उनके हाथ में जपमाला भी है वो ध्यान भी करते हैं और ये भी लोग जानते हैं शिव जी शिवांश जो हनुमान जी हैं वो प्रभु रामचंद्र की सेवा करते हैं पैरटन है तो शिव जी भी श्री राम जयराम करते हैं और उनके एक अंश जो हैं तो हनुमान वो भी पंचमुखी है हनुमान जैसे शिवजी भी पंचमुखी हैं हनुमान भी पंचमुखी हैं तो उनकी सेवा कर रहे हैं तो इस तरह के लीलाओं को आप पढ़ेंगे सब पुराणों के साथ जोड़ आप देखेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि शिवजी भगवान के एक विस्तृत रूप है जैसे दूध से दही आता है लेकिन दही दही से दूध नहीं बना सकते आप दूध से दही आता है इस तरह भगवान से शिव जी आते हैं लेकिन शिव जी अपने को भगवान नहीं घोषणा करते अपने आप को भगवान के दास दास के रूप में ही घोषणा करते हैं तो बिकॉज हैव टू सी इन मूड शिवा इज कनेक्टिंग विद द सुप्रीम लॉर्ड दैट वी शुड सी इन मल्टीपल प्लेसेस नॉट ओनली इन ओनली वन प्लेस देन वी विल एक हमारा लेक्चर है इफ कैन सी दिस जस्ट वन मिनट आई विल जस्ट शो यू बोल आप, आ, ये भी yeah, है? Yes. उसके नीचे शिवा और कृष्ण के बीच प्रेमय संबंध ऐसे एक लेक्चर है शिवा और कृष्ण के बीच में, प्रेम में एक प्रेमय संबंध हाफ अवर्स लेक्चर दर यू गेट मेनी थिंग्स फ्रॉम वेरियस पुराण उसका भी आप सुन सकते हैं तो उधर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा तो मेरा दृष्टिकोण क्या है इसमें दो चीज है एक है अनेक पुराणों को जोड़कर देखेंगे लीला के तौर पर तत्व के तौर पर मैंने बताया वो एक चीज है दूसरा है तामसिक का, राजसिका सात्विक का। अभी ये वो खुली बात है सब लोग जानते हैं नेपाल में आपने सुना होगा कितने बैंस को काटते हैं लाखों लाखों बैंस को है एक देवी के लिए है ना तो उसको सरकार भी रोकना चाहता है उसको तो इस तरह शिवजी के भी उपासक अनेक लोग गांजा पीना और मांस लेना मत्स्य लेना मजरा लेना ये सब करते हैं रुद्रा मैजिक करके फॉरेन कंट्रीज में एक पान का भी दुकान है क्योंकि ये सब जोड़ते हैं क्योंकि थमागुनी लोग उस तरह के उपासनाएं करते हैं और शिव जी के पास आने वाले अनेक लोग मांगते हैं अनेक भौतिक वरदान जैसे अब रावण अभी बाणासुर भस्मासुर ब्रकासुर तो हम देख सकते हैं कि द स्टैंडर्ड ऑफ वर्शिप इज तामसिक वर्शिप यू कैन सी द एंड रजोगुना वर्शिप टे कार्तिकेय गणेश लक्ष्मी सरस्वती दिस आर ऑल राजसिक वर्शिप एंड सात्विक वर्शिप किसको करते हैं लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण तो इनकी पूजा तुलसी मंजरी अर्पित करके शाकाहारी भोजन उनको देकर प्रसाद के रूप में प्राप्त करना सरल जीवन शुद्ध जीवन ऊंचा विचार और इन लोगों की अपेक्षा क्या है चित्त को शुद्ध करना हुँ? और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाना सो द एक्सपेक्टेशंस एंड एस्पिरेशंस आर मोर नोबल इन सत्वा और उसमें भी सबसे श्रेष्ठतम अपेक्षा क्या है भगवान के लिए प्रीति प्राप्त करना भगवान को प्रेम से सेवा करना सो सी फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू तामसिका राजसिका साधव दूसरा है तत्व और लीला दो तौर पर देखे और एक स्थान में नहीं अनेक पुराणों को पढ़िए सबको साथ में जोड़ कर देखे देन यूव क्लियर प्रभु लाइक वी नो दैट शिवजी का शिवजी का जो धाम है तो महेश धाम हम बोलते हैं correct, correct. So, according to the philosophy of भगवत गीता जैसे कि भगवान ने बोला कि मरते समय जो जिसका स्मरण करता है उसके लोक में ही पहुंच जाता है correct. तो पकड़ लीजिए कि कोई शिव जी को भगवान बोल के ही मानता है शिव जी का, का नाम लेके मरता है तो हिल गेट मुक्ति बिकॉज हिल रीच महेश धाम इन दैट केस विल रीच महेश धाम में क्या है वो भी जानना आवश्यक है अभी महेश धाम में पार्वती के साथ अनेक जीवों के साथ शिवजी कीर्तन में लगे हैं ध्यान में लगे हैं, हैं? और अगर उधर जाकर कोई कीर्तन करके भगवान हरि की भक्ति में जग गया कोई तो उधर से भगवान हरि के लोक में जाएगा वो फ्रॉम दैर ही बिल्कुल शिव जी के उपासकों में दो तरह के उपासक हैं कुछ लोग उनको निराकार मानते हैं तो वो लोग लीन होना चाहते हैं ब्रह्म ज्योति में यानी लोग और दूसरे लोग हैं जो शिव जी को Uh, uh, शिव जी को के स्वरूप को मानते हैं जैसे सिक्सटी थ्री नायन मार्स इन तमिलनाडु जैसे कन्पा नायन ऐसे तो ये लोग शिव जी के रूप को पूजा करते हैं और शिव जी को ही प्राप्त करना चाहते हैं तो दे विल गो टू शिव लोका विच इज कैलाश दे विल गो इफ यू वर्शिप पर्सनल फॉर्म यू गो टू दैट पर्सनल फॉर्म दे अटेन लिबरेशन दैट मींस एक्चुअली शिवा कैन नॉट अवार्ड लिबरेशन एज अ डेमी गॉड बट शिवा कैन अवर्ड लिबरेशन एज अ वैष्णवा

तो बाली जब लॉर्ड राम से बोले कि मैं आपकी सहायता कर सकता था वैसे ही हम देखते हैं कि आज, devotee, world, कई सारे उन सारी सिचुएशंस में हम कैसे अपने आप uh, को उस कैरेक्टर बिल्डिंग कैरेक्टर्स को फॉलो कर सकें या को फॉलो कर सकें उदाहरण के लिए लड़का फोन किया मुझे एक आई से बोला कि प्रभु जी इन द जॉब इंटरव्यू में अनेक लोग कॉपी करते हैं एग्जाम में तो so, मैं भी कॉपी कर सकता हूँ क्या मैंने बोला तुम तो भक्त हो तुमको कॉपी नहीं करना चाहिए वो बोला प्रभु जी जिनको कॉपी करते हैं वो लोगों को नौकरी जल्दी मिल जाता है तो मुझे नहीं मिलेगा मैंने बोला देखो तुम सत्यपारायण रहो तुमको नौकरी देना कृष्ण का काम है ऐसे मैंने बोला तो उसको दो तीन महीने के लिए नौकरी नहीं मिला वो बार बार पूछता था भू जी अभी चार इंटरव्यू हो गया पाँच आठ हो गया एग्जाम ऐसे मैंने बोला पूछने की जरूरत नहीं तुमको मिल जाएगा चिंता मत करो तो बाद में उसको बड़ा नौकरी लग गया उसको हैं उसको बहुत बड़ा मोटा नौकरी लगा अच्छा वेतन भी मिला उसको बहुत खुश हो गया वो तो मैंने क्यों बोला आपको तो इस दुनिया में आजकल प्रलोभन बहुत है पैसे के लिए भी इस तरह गलत काम करने के लिए भी तो आ, हम जितना आ, ये पत्र को पकड़ कर चलते हैं उसके लिए अंदर बहुत शक्ति की जरूरत पड़ता है तो हम उनको पूछ सकते हैं huh? प्रॉब्लम आ रहा मुझे क्या करना चाहिए hmm, ऐसे जैसे देखिए एक एक पुरुष है वो डाइवोर्स कर दिया अपने वाइफ को अकेले रह रहा वो और तो एक स्त्री है उसने पति को डाइवोर्स कर दिया वो अकेले है वो हाँ। लेकिन एक एक दोनों एक दूसरे को मिलते हैं किसी कंपनी में हाँ। और दोनों को एक दूसरे को ये सहानुभूति देते हैं आ, क्या बोलते हैं इंकरेजमेंट हाँ, बात करते हैं तो उनके बीच में अगर कुछ उनके बीच में संबंध जुड़ता है इसे वो विवाह भी नहीं करते हैं हाँ। विवाह भी नहीं करते लेकिन संबंध रखते हैं इससे क्या हो जाता है अवैध संघ हो जाता है अंडरस्टैंड सो ना? तो नाउ डेज बिकॉज पीपल आर इमोशनली डिप्रेस्ड एंड इमोशनली वलनरेबल मैनी पीपल आर फॉलोइंग डाउन इन दर कैरेक्टर बिटवीन मैन वनिंग इन टर्म्स ऑफ मनी एंड पीपल आर ऑल्सो टू मेनी ऑफ द ड्रग्स एंड स्लीपिंग सो मेनी थिंग्स लाइक दैट तो ये चार नियम तोड़ा जा रहा है अनेक कोने कोने में दुनिया में तो हम लोगों को हम लोग इस कान में जुड़े हैं चार नियम पालन करते हैं अवैध संघ नहीं मांसाहार नहीं नशा नहीं और जो दूत क्रीडा नहीं तो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए हमको क्योंकि ये स्ट्रिक्टली फॉलो करने से तो कली हमारे अंदर घुस नहीं सकता कली विल बी केप्ट अवे देन हम शांति से भक्ति करके भगवत नाम लौटेंगे हम अगर हम बोलेंगे आ गया यार सब लोग कर रहे हैं मैं भी करूंगा उसका मतलब हम कलीग में और जीना चाहते हैं बार बार आना पड़ेगा हमको आवागमन होगा बार बार हा? तो अगर हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो ये हमारा अंतिम जन्म रहेगा बस भगवान बोलते हैं त्यक्वा दे हम पुनर्जन्म नहीं मामी थी बोलते हैं तुमको पुनर्जन्म नहीं मेरे पास तुम आ जाओगे भगवान बताते हैं भगवान के शब्दों में जिनको दृढ़ विश्वास है वो लोग किसी भी प्रलोभन में पड़ेंगे नहीं फेथफुली फॉलो क्योंकि मनुष्य जीवन दुर्लभ है और कलयुग में आयुष भी लंबा नहीं है कितना साठ सत्तर अस्सी वायरस तक जीते हैं लोग तो शरीर घट जाता है मिट जाता है मिट्टी से बना हुआ शरीर मिट्टी से मिलेगा लेकिन आत्मा अजर है अमर है तो आत्मा भगवान का अंश है तो हमारे अंदर सदगुण का जीवन जीना आत्मा के लिए स्वाभाविक है अभी आत्मा के ऊपर एक मन का आवरण है जो दूषित किया है हमको वो तो दूषण सब मन में है तो मन की मलिनता को मिटाने के लिए महामंत्र है और भगवत कथा है तो कथा का कर श्रवण करना महामंत्र को रटना और सेवाओं में जुड़ना भक्तों के संग में रहना और अपने आप को शुद्ध रखना जैसे कमल कीचड़ के बीच में भी शुद्ध रहता है वो साफ सुथरा ऐसे अपने आप को रखना और प्रभु के चरणों के ऊपर हमेशा ध्यान करते रहना है कि हम हम कभी पद दलित ना हो जाए ड्यूटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग क्योंकि मौका मिला है उनको इस, इसका सदुपयोग करना हमारा कर्तव्य है थैंक यू मन लास्ट क्वेश्चन इधर इधर एक यू प्रसाद फॉर एवरीबडी प्रसाद ओके हरे कृष्णा प्रभु यस थैंक यू फॉर सच ए वंडरफुल क्लास एंड तो आपने लास्ट में बताया कि वो बाली को प्रभु श्री राम ने yes. मतलब जो लॉजिक उन्होंने दिया कि एनिमल के हिसाब से कंसीडर करके आप वो उनको मार सकते हैं अभी आई वाज थिंकिंग कि पे आपने उसके पहले क्वालिटीज भी बताए सुग्रीव और बाली जी के तो अभी उनको एनिमल की तरह कंसीडर करें और फिर श्री राम उनसे हेल्प भी ले रहे हैं सुग्रीव से क्यों पर वो भी तो मतलब उसी में आ रहे हैं अभी सुग्रीव जो है वो उसका विवेक बुद्धि था उसका और उसने बाली जैसे कुछ गलत काम नहीं किया ना देखिए मात्रवत पर दारेश दूसरों के पत्नी को माता के रूप में ट्रीटमेंट देना चाहिए करेक्ट है ना अभी अभी वाली ने गलत की थी इसलिए आजकल भी आप देखते हैं जो मनुष्य जानवर जैसे जीवन जीते हैं उनको द्विपाद पशु को बोला गया है द्विपाद पशु टू लेग एनिमल एनिमल फोर लेग बट ये ह्यूमन बीइंग लिव्स अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑफ एन एनिमल टू लेग एनिमल

ये गलत है इसलिए भगवान ने उनको दंड बद किया क्लियर थैंक यूक यू थैंक यू पांच मिनट कितना करेंगे साहब ये क्वेश्चन उधर है माताओं को दीजिए वो माता को दीजिए माइक उधर भेजिए कितने लोग सोलह माला करते हैं जब आपके इधर ग्रुप में अच्छा वेरी गुड वेरी गुड थैंक यू कितने लोग बारह से पंद्रह के अंदर करते हैं बारह से पंद्रह ओके okay. कितने लोग आठ से ग्यारह तक ओहो ओके आ, और चार से सात ओह मैनी आर दर ओके और एक से तीन ठीक है सब कैटेगरी के हैं वेरी गुड हर बढ़िया धीरे धीरे पढ़ रहे हैं सब हाँ बोलिए माता गुरुजी नमस्ते व्हाट आई वांट टू आस्क इज लाइक in this bhakti path we are actually wanting to get away from the materialistic desires which anybody in this kali Yuga would have hmm. uh, but at the end if we are in the bhakti marg also we are also desiring to get god no like but we, what, yeah, so that's we what, don't desire to go back to godhead we desire to love and serve god anywhere even in the hell also a devotee's aspiration is he, the devotee says that, my dear Lord, wherever you want to keep me, you keep me. I simply want to love and serve you. That's the only aspiration of a devotee. But Lord says, why do you have to be in the material world? Well, you come to my abode. I will take you to Goloka, Buloka to Goloka. Mm -hmm. And then you can come and stay with me. Lord actually, out of his love for the devotee, he gets the devotee back to his abode. But if he doesn't take us back, if he tells, for, for example, I am a preacher, Radisham Das. the Lord says, Radisham, I want you to be in the material world for 100 more lifetimes, I will continue doing the same service. It's a very wonderful service. We study the scriptures, take prasad, teach people nice things, and uh, bring many, many more souls to Krishna consciousness. And we can do this million lives also. And we don't find any. I feel already I am in spiritual world, in the material world. Because your life is wonderful, it is. Blissful. Every morning we are dancing in Mangala Arati then we are chanting Japa, we are hearing Bhagavatam. Then we are having our classes, then we study the scriptures and teach people. It's a very noble work. And we are actually bringing the orphan like children back to God, connecting them. It's a very wonderful life. Whether Lord tells me to be here or takes me to his abode, for me it makes no difference. Is that clear, Maji? It's clear? Yeah. 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 कि हम बोल रहे हैं कि आ, हम लोग भी इच्छा करते हैं भगवत धाम लौटने के लिए है ना ये भी एक तरह का गलत इच्छा हो सकता है कि अपेक्षा हम रखते हैं पहली दृष्टिकोण से देखा जाए एक बच्चा अभी इसका नाम क्या है इसका देवांश आपके पिता है आपके पिता किधर है इधर ही बैठे हैं ठीक है थीका? अभी देवांश एक जुलूस में जाता है थोड़ा घूम गया और रो रहा है मुझे पिताजी के पास लेके जाओ ये गलत नहीं है करेक्ट है ना क्योंकि देवांश को अपने पिता के सामने ही बैठा है वो भी हा? तो पिता के साथ रहना बच्चे के लिए ठीक है हु? गलत नहीं है यू अंडरस्टैंड द पॉइंट अगर कोई बच्चा अपने माता पिता के पास जुड़ना चाहता है उसमें किसी भी तरह का उसका पर्सनल स्वार्थ नहीं है क्योंकि बच्चे को माता पिता के साथ रहना स्वाभाविक है इसी तरह अगर कोई जीव इच्छा करता है भगवदा में लौट जाऊं उसमें कुछ स्वार्थ भावना नहीं है क्यों क्योंकि उसको में भगवान के साथ रहना स्वाभाविक है राइट जी हाँ अगर वो तो एक बात है दूसरी बात मैंने बोला भक्त लोग उसका भी अपेक्षा नहीं करते वो बोलते भगवान को आपकी मर्जी आपकी इच्छा अगर आपकी इच्छा हो जैसे कंपनी क्या करते हैं कभी आपका नौकरी है इधर अब हो सकता है कलकत्ता में लेकिन कंपनी आपको बेचता है दिल्ली में बोलता है कि ऑन ड्यूटी जाओ हाँ ऑन ड्यूटी जाकर छह महीने काम करो तो कंपनी वाले बेचते हैं ना इसे इसी तरह भगवान भी ऑन ड्यूटी अपने भक्तों को भौतिक दुनिया में बेचते हैं जैसे प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि तुम जाकर अनेक जीवों को उद्धार करो तो भक्त लोग भगवान के आदेश लेकर कहीं भी जाने के लिए तैयार है नरक में भी जाने के लिए तैयार है अगर नरक में भी प्रचार के लिए मौका हो तो इसलिए भक्त लोगों की अपेक्षा कुछ नहीं है ये ही अपेक्षा है भगवान की प्रेम माया सेवा फिर है न हाँ यस माता जी उनको दीजिए माता को इनको दीजिए माइक माइक पीछे से हारा है माइक हरे हाँ। कृष्णा आज के सेशन से थोड़ा सा हटके है आज मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा था इसलिए मैं आज अभी हिम्मत करके पूछा है मुझे या किसी भी व्यक्ति को अगर सड़क पे चला हुआ चलते हुए एक कोई आ, रुपया या नोट मिलता है तो उसका एक भक्त को क्या करना चाहिए उसको मंदिर में जाकर हुंडी में डाल देना चाहिए उसको अच्छा अगर वो मंदिर नहीं जा पा रहा है तो क्या करे फिर बताइए ठीक है आप मार्केट में जाकर कुछ अगरबत्ती पैकेट खरीद कर उसको भगवान की सेवा में लगा देना उसको ठीक है ठीक है ना? ठीक है थोड़ा कितना हाँ बोलिए माइक कह रहा माइक कह रहा एडवोकेट ने पूछा सात आठ दिन पहले मैं उनको बताया मैं जब करता हूँ ग्यारह साल से इस कौन से जुड़ा हुआ हूँ प्रभु जी मेरे मुझे पकड़ के खींच के लेके आए हैं तो उन्होंने पूछा कि अगर आपके आंख भी नहीं है आप अंधे हैं कान भी बहरे हैं और गूंगे हैं तो आपका जब से उधार कैसे होगा तो जब जब करते हैं हमारा संबंध भगवान के साथ है अगर आपका आंख भी नहीं है कान भी नहीं है लेकिन आप आपको मालूम है कि बदनाम करना अच्छा अभी बेंगलुरु में नहीं मन में कर सकते हैं आप मन में जब मन में कर सकते नहीं नहीं ना प्रभु जी होता वो तो सुना ही नहीं ना नाम जब का उसको नहीं, नहीं सुनने की जरूरत ही नहीं है अब मुझे खुद मालूम है बंगलूर में ऐसे सैकड़ों भक्त हैं एक नहीं सैकड़ों भक्त हैं बंगलूर में जिनका कान भी नहीं मुंह में नहीं वो बोल भी नहीं सकते सुन भी नहीं सकते बहरे भी हैं गूंगे भी हैं तो ऐसे वक्त सबसे ज्यादा भक्त लोग एकदम बढ़िया उनका भक्ति चल रहा है उनका मन ही मन करेंगे हर, उसमें है। नहीं, नहीं नहीं आपको मालूम नहीं मन में बोलकर मन में सुन सकते हैं आप जोर से बोलने की जरूरत नहीं वो है वो उपांसु करके मन में मन ही मन जपने का एक विधि भी है हम लोगों को मुख से हम मुखसे बोलते हैं नहीं ध्यान क्या करें किसके ऊपर करेंगे ध्यान उनको पूछिए ध्यान किसके ऊपर करेंगे वो लोग सर्कल कॉन्सेंट्रेट सर्कल बोलेंगे कि सर्कल बनाकर कंसंट्रेट करो आपको चक्कर आए चक्कर आएगा आपको एक्चुअली हाँ? हाँ। जो भक्त लोग नाम जपते हैं नाम से धीरे धीरे भगवान का स्वरूप आएगा मन में और स्वरूप के बाद भगवान के गुण दिव्य गुण अभी हमने सुना भगवान के दिव्य गुण इसको बार बार समझकर भक्त के हृदय द्रवित होता है और उसके बाद भगवान की लीला चेष्टाएं मन में आएंगे लेकिन ये भक्ति की वर्दन होने से धीरे धीरे भक्त का भक्त के हृदय एक भगवान के लीला चेष्टाओं का एक रंगभूमि बन जाता है इस तरह तब तो उसके ऊपर ध्यान करता है भक्त भक्त हर क्षण भगवान के विविध लीला चेष्टाएं उनके मन में चलते रहते हैं जैसे अगर कोई सिनेमा देखकर आया है अपने मित्रों को बुलाकर बोलेगा फर्स्ट सीन रहता सेकंड सीन रहता बोलते हैं ना लोग तीसरा सिंह नहीं आता ये अच्छा लगा कुछ कुछ लोग ये किसी ने आपको दस दस बार देखते हैं कुछ लोग करेक्ट है ना इस तरह हम लोग अगर भगवान की लीला को सुनते सुनते ऐसे लीलाओं में हमारे मन रमने लगा हुँ? तो अब वो एक समाधि प्राप्त होता है उसमें भगवान के प्रभु के बारे में सोच सोच कर हमारे मन में आश्चर्य होता है कि कितने महान प्रभु हैं तो वो ही समाधि है समझा ना आपने ऐसे ध्यान करो बोलते हैं अनेक लोग ध्यान के नाम बैठ कर सो जाते हैं उनका मालूम नहीं किसके ऊपर ध्यान करना है तो हम लोग चालू करना चाहिए हरिनाम जप से हरिनाम जप करते 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 भगवान की लीला चेष्टाएं हमारे मन में उदय होंगे भगवान की कृपा से ही तो दैट इज द राइट मेथड ऑफ मेडिटेशन क्लियर ठीक है अभी कीर्तन करेंगे हम लोग पाँच मिनट उसके बाद प्रसाद ठीक है हाँ क्या सिंह कीर्तन ओके श्रीकृष्णक्रीथ विष्णु माव विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी तेनालीरु टुगेदर सारस्वते देवे गौरवाणी प्रकारिणे निर्विशेषा शून्यवादिताच्यदे सारिणे ना ृत्यानन्द श्रि अद्वैता गदा श्रीवासादि गौरवभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण प्रियवैता गा ग्रिया हरे कृष्ण

guranga me tai guranga jaya bye, -bye. bye, -bye. हरे राम 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 हरे हरे गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय रमण हरि गोविन्द जया जय कृपा सिंधु बचिता पाव्यो वैष्णवभ्यो नमो नम श्री राधा गोविंद देव महाप्रभु की श्री श्री, श्री की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री श्रीलप्रभु की समावेत गौरभक्त वृन्द की करयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की दिता